आलमोस्ट फेमस मूवी के फैक्टो रिव्यू आलमोस्ट फेमस 2000 की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैमरून को द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें जिसमें बिली कुडुब्स एंड फ्रांसिस मैकडोरमेड्स कैट हर्डसन पैट्रिक फुगिट्स और फिलिप सेमुल होपमैन ने अभिनय किया है यह एक किशोर पत्रकार की कहानी है जिसका किरदार फुट ने निभाया था जो सन उन्नीस के दशक की शुरुआत में रोलिंग स्टोन पत्रिका के लिए, लिए लिख रहा था काल्पनिक रॉक बैंड एंड सिल्वर के साथ दौरा कर रहा था जब और बैंड पर अपनी पहली कवर स्टोरी लिख रहा था यह फिल्म अर्ध क्योंकि यह क्रो स्वयं रोलिंग स्टोन के लिए एक किशोर लेखक थे फिल्म का निर्देशक कैमरून क्रो है लेखक है कैमरून क्रो उत्पादित है कैमरून क्रो और इयान ब्राइस अभिनेती है पैट्रिक फोगेट और बिली कुडुप है फ्रांसिस मैकडो डोरमेंड है कैट हेडसन है जेसन ली है अन्ना पकविन है फेरुज़ा बाल्क है टेलर है और फिलिप छायांकन हैं जॉन टोल का संपादित किया जो हसिंग सिंह ने और क्लेन ने संगीत दिए ने उत्पादन कंपनी कोलम्बिया पिक्चर्स और ड्रीम वर्कर्स पिक्चर और विनाइल्स पिक्चर द्वारा वितरित किया ड्रीम वर्कर्स डिस्ट्रीब्यूशन एलसी संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख आठ सितंबर सन दो को टी में और बाईस दिसंबर दो को संयुक्त राज्य अमेरिका में यह फिल्म रिलीज हुई कार्यक्रम का कर एक सौ बाईट संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म ने सिनेमाघरों में खराब प्रदर्शन किया और 60 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 47.4 मिलियन की कमाई की और वित्तीय कमी के बावजूद इसको आलोचकों से व्यापक सफलता मिली और सरसे मूल पटक की जीत था सहित चार अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त के इसे मोशन पिक्चर टेलीविजन या अन्य विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ संकलन साउंड ट्रैक एल्बम के लिए 2001 के गी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया एडबर्ट्स की सबसे सन दो के, के दशक की नौवीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताया गया था इसने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री मोशन पिक्चर दो के लिए दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीते तब से यह एक प्रथम क्लासिक बन गई और बीबीसी द्वारा आयोजित 2016 के अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ऑलमोस्ट फेमस हो गुन दो के बाद सेवेंटी नाइनवीं सबसे बड़ी फिल्म का दर्जा दिया गया और हॉलीवुड रिपोर्टर सन 2014 की सूची के स्टूडियो प्रमुखों हो ओस्कर विजेता के द्वारा मतदान किया गया और टीवी रॉयल्टी एलमेट्स फेमस और सर्वकालीन इकहत्तरवीं महानतम फिल्म का दर्जा दिया गया और फिल्म का नामक मंचीय संगीत रूपांतरण नवंबर 2022 को ब्रॉडवे पर शुरू हुआ कथनक सन उन्नीस में सैन डी में प्रतिभावक बालक विलियम मिलर फिट होने के लिए संघर्ष करता है जिसका जीवन यह जानने के बाद भी जटिल हो जाता है कि उसकी विधवा कॉलेज प्रोफेसर माँ एलेन ने उसे झूठ विश्वास दिलाया था और वह 12 साल का विलियम वास्तव में 11 साल का था उसने 5 साल की उम्र में पहली कक्षा शुरू की थी और पांचवी कक्षा छोड़ दी थी मजबूत इरादे वाली एलेन के रोक संगीत पर सख्त प्रतिबंध और टॉप और पॉप संस्कृति से डर का उसके बच्चे पर स्थायी प्रभाव पड़ा आखिरकार विलियम्स की अठारह वर्षीय बहन अनीता को सैन फ्रांसिस्को जोन के फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए मजबूर होना पड़ा सन उन्नीस में विलियम्स जो अब पंद्रह वर्ष का था अनीता के गुप्त रोग एल्बमों में प्रभावित होकर एक रोक पत्रकार बनने की इच्छा रखता था और सैन डियोगो में भूमिगत पत्रों के लिए स्वतंत्र लेखा लिखता था रोग पत्रकार लेस्टर बेगस विलियम्स के लेखन से प्रभावित होकर उन्हें ब्लैक सब्बात कॉन्सर्ट्स की समीक्षा करने के लिए पैंतालीस थर्टी फाइव डॉलर का अनसाइट देते थे शुरुआती बैंड वाटर के आने से विलियम को मंच के पीछे जाने की रोक दिया गया और विलियम आसानी से अंदर आ जाता था और तो मुख्य वादक से रसेल हेमंड उसे और एक उसके लिए नए परिचित अनुभवी ग्रुपी पेन लेन को पसंद करते थे जिसके उन्हें अपने अधीन कर दिया गया रूढ़ीवादी समूह के रूप में व्यवहार करने के लिए बावजूद पेनी लेन इस बात पर जोर देते थे दे कि वह और उसके दोस्त बैंड एडस हैं और एक शब्द जिसका आविष्कार उन्होंने महिला प्रशंसा का वर्णन करने के लिए किया था जो रोग सितारों की तुलना में संगीत के लिए अधिक है ब्लैक सब बात पर हिमालयन के लेख कुल देखने पर रोलिंग स्टोन को संपादक बेन फोग टोरेस से सिल्वर स्टार के बारे में एक लेखन लिखने के लिए विलियम्स को काम पर रखा गया और उसे बैंड के साथ सड़क पर भेजा गया विलियम्स अन्य बैंड सदस्यों को साक्षात्मक लेता है लेकिन रसेल बार बार उसे टाल देता है और रसेल और मुख्य गायक जेफ बेबे के बीच तनाव जल्द ही स्पष्ट हो गया बैंड की पहली टी शर्ट की रिलीज से भी अधिक खटास आ गई जिसमें रसेल के साथ एक पूर्ण बैंड शॉर्ट दिखाया गया जबकि बॉबी

लेसली उनके साथ शामिल होकर और उसके तीन बैंड को को, पो को पोकर गेम में दूसरे बैंड के साथ जुआ खेला जाता है पेनी लापरवाही से काम करती है लेकिन तबाह हो जाती है इस बीच डेनिस ने एक छोटा विमान किराए पर लिया ताकि बैंड अधिक कार्यक्रम बजा सके पैनी बिना बुलाए न्यूयॉर्क रेस्तरा में पहुंच जाती है जहां वे इस खबर का जश्न मना रहे हैं कि उन्हें रोलिंग स्टोन के कवर पर दिखाया जाएगा रसेल का स्थान ध्यान आकर्षित करने की उनकी कोशिश का पता चलने के बाद पैनी को जाने के लिए कहा गया विलियम उसका पीछा करते हुए उसके होटल तक जाता है जहां वह उसे क्वाइलुट्स का अधिक अधिक मात्रा में सेवन करने से बचाता अगले दिन यह कार्यक्रम के लिए उड़ान भरने पर विमान को गंभीर मौसम का सामना करना पड़ता विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर डर से कई लोग हर कोई अपने रहस्य में कबूल कर लेता है जबकि जेफ और रसील के बीच लंबे समय से चल रहे यह संघर्ष भड़क गया और जेफ द्वारा पोनी का अपमान करने के बाद विलियम ने प्रे, पेनी को प्रति अपने प्यार का इजहार किया और विमान टूपेलो को सुरक्षित रूप से उतारा गया जिससे हर कोई बदले हुए माहौल का विचार करने लगा और विलियम सैन फ्रांसिसको में रोलिंग स्टोन कार्यालय पहुंचता है लेकिन उसे लेख पूरा करने में कठिनाई होती है मदद मांगते हुए वेलेस्टर बेगस को फोन करता है जो कहता है कि विलियम बैंड का हिस्सा बनने में पसंद फंस गया है उनका कहना है कि उनके साथ उनकी कथित दोस्ती वास्तविक नहीं थी और वह ईमानदार और निर्दय बनने की सलाह देते थे रोलिंग स्टोन को संपादकों ने विलियम को पूर्ण लेख की प्रशंसा की लेकिन जब पत्रिका के तहत जाँचकर्ता ने बैंड को फोन किया तो रसेल ने स्टल वाटर की छवि की रक्षा करने के लिए झूठ बोला और दावा किया कि इसमें से अधिकांश झूठ और रोलिंग स्टोन ने विलियम्स को खुद चलते हुए लेक को खत्म कर दिया और दवाई हवाई अड्डे पर अनीता का सामना उदास में विलियम्स से होता है और उसे कभी भी ले जाने की पेशकश करती है उनके लिए सैन डियागो में उनके घर जाने का विकल्प चुना और जहाँ उनकी माँ एलेन उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है सफ सफायर बेड एड्स के विशेषज्ञों में से एक विलियम को धोखा देने के लिए के लिए रसेल को डलीट करता है फिर वह पोनी का फोन करता है जिस उससे मिलना चाहता है लेकिन वह उसे अपने पास पते के बजाय विलियम का पता देकर उसे धोखा देती है वह आता है और खुद को विलियम की माँ से, अप मा, से मा आमने सामने पाता है जिन्होंने दौर दोर के दौरान फोन पर उनके साथ व्यवहार के लिए उसे डाटा था विलियम की माफी मांगता है और अंत में उसे एक साक्षात्कार के रूप में देखता है रसेल ने लेख को रोलिंग स्टोर से सत्यापित किया और जो इसे एक कवर फीचर के रूप में चलाता है पोनी पैनी को जाने की अपनी लंबे समय से, से चल रही कल्पना को पूरा करती है जबकि इसे इस वॉटर फिर से बस में यात्रा करता है डालना में देखा गया है कि विलियम्स मिलर के रूप में पैट्रिक फूड ने के दाने बनाया और युवा विलियम्स के रूप में माइकल ओंग रानो ने के दानी सेल हेमट के रूप में बिली कोडुप नजर आए और एलन मिलर के रूप में फ्रांसिस मेलबोर्न में नजर आए और पैनी लेड के रूप में कैट हार्डसन ने के जेफ बेवे रूप में जैसन ली ने, के Jui, Jui Desneil, के रूप ने किया, एफरे एफ्रोडिसिया के रूप में अन्ना पैक्विन नजर आए और नीलमणि के रूप में फेरूजा बालक ने किरदा और एस्टेला स्टार के रूप में बिजो फिलिप्स ने किरदारे नूहू टेलर डिक रोसवेल के रूप में नजर आए और लेस्टर बेगस के रूप में फिलिप सेमोर होफ मैन ने के दानी बाए बैन फॉन्ग टोरेस के रूप में रूप में नजर आया और डेनिस होप के रूप में जिमी फोन फोलन डेविड्स हेल्टन के रूप में रेन विल्सन ने के दाने और लेरी फेलो के रूप में मार्क कोजे लेखने के दाने लेसली हेमंड के रूप में लिज स्टोबर ने के दाने बया जेक लेजे ड्री रेड डोम के रूप में नजर आए और एड वन कोर्ट के रूप में जॉन फेडिविच ने दाने डेस्क क्लर्क सोल्डन के रूप में एरिक स्टोन स्ट्रिक ने निभाया नाराज प्रोमेट के रूप में मार्क हैन मेरन ने निभाया और जेन वेनर टैक्सी यात्री के रूप में नजर और पीटर फ्रेम्पस्टन रेक के रूप में नजर और ईगल्स रोड मैनेजर के रूप में मिच है में कगर निभाया ऑलमोस्ट फेमस मूवी के फैक्टो रिव्यू ऑलमोस्ट फेमस दो की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैमरून को द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें जिसमें बिली कुडुप्स एंड फ्रांसिस मेड्स कैट हर्डसन पैट्रिक फुगिट्स और फिलिप सेमुल होपमैन ने अभिनय किया है यह एक किशोर पत्रकार की कहानी है जिसका किरदार ने निभाया था जो सन 1970 के दशक की शुरुआत में रोलिंग स्टोन पत्रिका के लिए लिख रहा था काल्पनिक रॉक बैंड एंड सिल्वर के साथ दौरा कर रहा था जब और बैंड पर अपनी पहली कवर स्टोरी लिख रहा था यह फिल्म अर्ध आत्मकथानात्मक क्योंकि यह क्रो स्वयं रोलिंग स्टॉल के लिए एक किशोर लेखक थे फिल्म का निर्देशक कैमरून क्रो है लेखक है कैमरून क्रो उत्पादित है कैमरून क्रो और इयान ब्राइस अभिनेती है पैट्रिक फोगेट और बिली कुडुप है फ्रांसिस मैकडोर डोरमेंड है, है कैट हेडसन है जेसन ली है अन्ना पकविन है फेरूजा बल बाल्क है नूह टेलर है और फिलिप सेमूर होपमैन छायांकन है, है जॉन टोल का संपादित किया जो हसिंग ने और सार क्लेन ने संगीत दिया नैन्सी विल्सन ने उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स और ड्रीम वर्कर्स पिक्चर और विनाइल्स पिक्चर द्वारा वितरित किया ड्रीम वर्कसर डिस्ट्रीब्यूशन एल सी संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलम्बिया कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टि, इंटरनेशनल द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख आठ सितंबर सन दो को टी में और बाईस दिसंबर दो को संयुक्त राज्य अमेरिका में यह फिल्म रिलीज हुई कार्यक्रम का समय एक सौ फिल्म ने सिनेमा घरों में खराब प्रदर्शन किया और साठ मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले की कमाई की और वित्तीय के बावजूद मूल पटक की जीत सहित चार अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया इसे मोशन पिक्चर टेलीविजन या अन्य विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ संकलन साउंड ट्रैक एल्बम के लिए दो हजार एक के ग्रेमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया रोजर एडबर्ट ने इसे साल की सबसे फिल्म के सा सा सन दो के दशक की नौवीं सबसे बताया गया था इसने सबसे मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी सबसे अभिनेत्री मोशन पिक्चर दो के लिए दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीते तब से यह एक प्रथम क्लासिक बन गई और बीबीसी द्वारा आयोजित तो 2016 के अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ऑलमोस्ट फेमस हो सन 2000 के बाद सेवेंटी नाइनवीं सबसे बड़ी फिल्म का दर्जा दिया गया और हॉलीवुड रिपोर्टर सन 2014 की सूची के स्टूडियो प्रमुखों ऑस्कर ओस्कर के द्वारा मतदान किया गया और टीवी रॉयल्टी एलमेट्स फेमस और सर्वकालीन इकहत्तरवीं महानतम फिल्म का दर्जा दिया गया और फिल्म का नामक मंचीय संगीत रूपांतरण नवम्बर दो को ब्रॉडवे पर शुरू हुआ कथन सन उन्नीस सौ उनहत्तर में सैन डी में प्रतिभावक बालक विलियम मिलर फिट होने के लिए संघर्ष करता है जिसका जीवन यह जानने के बाद भी जटिल हो जाता है कि उसकी विधवा कॉलेज प्रोफेसर मां एलिन ने उसे झूठ विश्वास दिलाया था और वह 12 साल का विलियम वास्तव में 11 साल का था उसने 5 साल की उम्र में पहली कक्षा शुरू की थी और पांचवी कक्षा छोड़ दी थी मजबूत इरादे वाली एलेन के रोक संगीत पर सख्त प्रतिबंध और टॉप और पॉप संस्कृति से डर का उसके बच्चे पर स्थायी प्रभाव पड़ा आखिरकार विलियम्स की अठारह वर्षीय बहन अनिता को सैन फ्रांसिको जोन के फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए मजबूर होना पड़ा सन उन्नीस सौ तिहत्तर में पंद्रह वर्ष का था अनीता के गुप्त रोग एल्बमों में प्रभावित होकर एक रोक पत्रकार बनने की इच्छा रखता था और सैन डिएगो में भूमिगत पत्रों के लिए स्वतंत्र लेखा लिखता था रोक पत्रकार लेस्टर बेगस विलियम्स के लेखन से प्रभावित होकर उन्हें ब्लैक सब्बात कॉन्सर्ट्स की समीक्षा करने के लिए पैंतालीस थर्टी फाइव डॉलर का साइड देते थे शुरुआती बैंड सिल्विस्टो सिल्विस्ट वाटर के आने से विलियम को मंच के पीछे जाने की रोक दिया गया और विलियम आसानी से अंदर आ जाता था और तो मुख्य गिटार वादक से रसेल हेमंड उसे और एक ए, उसके लिए नए परिचित अनुभवी ग्रुपी पेन लेन को पसंद करते थे जिसके उन्हें अपने अधीन कर दिया गया रूढ़ीवादी समूह के रूप में व्यवहार करने के लिए बावजूद पेनी लेन इस बात पर जोर देते थे कि वह और उसके दोस्त बैंड एडस जिसका आविष्कार उन्होंने महिला प्रशंसा का वर्णन करने के लिए किया था जो रोग सितारों की तुलना में संगीत के लिए अधिक है ब्लैक पर हिमालन के लेख कुल देखने पर रोलिंग स्टोन को संपादक फोग टोरेस से सिल्वर स्टार के बारे में एक लेखन लिखने के लिए विलियम्स को काम पर रखा गया और उसे बैंड के साथ सड़क पर भेजा गया विलियम्स अन्य बैंड सदस्यों को साक्षारात्मक लेता है लेकिन रसेल बार बार उसे टाल देता है और रसेल और मुख्य गायक जेफ बेबे के बीच तनाव जल्द ही स्पष्ट हो गया बैंड की पहली टी शर्ट की रिलीज से भी अधिक खटास आ गई जिसमें इस रसेल के साथ एक पूर्ण बैंड शोट दिखाया गया जबकि बाबी बाकी बैंड छाया में है और विलियम्स को बैंड द्वारा मजाक में मजाक में दुश्मन कहा जाता था क्योंकि वह एक पत्रकार है लेकिन जैसे जैसे वे उनके आंतरिक दायरे में एकात्रित होता है तो वह धीरे धीरे अपनी निष्पक्षता खोलने लगता होने लगता रिकॉर्ड लेवल स्थानों को और प्रोमोटरों के साथ साथ समस्याओं को संभालने के लिए एक पेशेवर प्रबंधक डेनिस को नियुक्त करता है और पैनी को बैंड के न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले छोड़ना होगा जहां रसेल की प्रेमिका लेसली उनके साथ शामिल होकर पैनी और उसके तीन भविष्य बैंड सहायकों को, -को पो को पोकर गेम में दूसरे बैंड के साथ जुआ खेला जाता है पेनी लापरवाही से काम करती है लेकिन तबाह हो जाती है इस बीच डेनिस ने एक छोटा विमान किराए पर लिया ताकि बैंड अधिक कार्यक्रम बजा सके पेनी बिना बुलाए न्यूयॉर्क रेस्तरा में पहुंच जाती है जहां वे इस खबर का जश्न मना रहे हैं कि उन्हें रोलिंग स्टोन के कवर पर दिखाया जाएगा रसील का स्थान ध्यान आकर्षित करने की उनकी कोशिश का पता चलने के बाद पैनी को जाने के लिए कहा गया विलियम उसका पीछा करते हुए उसके होटल तक जाता है जहाँ वह उसे क्वाइलूट्स का अधिक अधिक मात्रा में सेवन करने से बचाता अगले दिन यह कार्यक्रम के लिए उड़ान भरने पर विमान को गंभीर मौसम का सामना करना पड़ता है विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर डर से कई लोग हर कोई अपने रहस्य में कबूल कर लेता है जबकि जेफ और रसील के बीच लंबे समय से चल रहे या संघर्ष भड़क गया और जेफ द्वारा पोनी का अपमान करने के बाद विलियम ने प्रे, पेनी को प्रति अपने प्यार का इजहार किया और विमान टूट ले रूपेलो को सुरक्षित रूप से उतारा गया जिससे हर कोई बदले हुए माहौल का विचार करने लगा विलियम सैन के में रोलिंग स्टोन कार्यालय पहुंचता है लेकिन उसे लेख पूरा करने में कठिनाई होती है मदद मांगते हुए वेलेस्टर बेगस को फोन करता है जो कहता है कि विलियम बैंड का हिस्सा बनने में पसंद फंस गया है उनका कहना है कि उनके साथ उनकी कथित दोस्ती वास्तविक नहीं थी और उन वह ईमानदार और निर्दय बनने की सलाह देते थे रोलिंग स्टोन को संपादकों ने विलियम को पूर्ण लेख की प्रशंसा की लेकिन जब पत्रिका के तहत जांच तो ने, ने की छवि की रक्षा करने के लिए बोला और दावा किया कि इसमें से अधिकांश झूठ और रोलिंग स्टोन ने विलियम्स को कुछ चलते हुए लेख को खत्म कर दिया और दवाई हवाई अड्डे पर अनीता का सामना उदास में विलियम्स से होता है और उसे कभी भी ले जाने की पेशकश करती है उनके लिए सैन डियागो में उनके घर जाने का विकल्प और जहां उनकी मां उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है सफ़ सफ़ायर फिर वह पोनी का फोन करता है, जिस उससे मिलना है। लेकिन वह उसे अपने पते के बजाय विलियम का पता देकर उसे धोखा देती है वह आता है और खुद को विलियम की माँ से, अप माँ से माँ आमने सामने पाता है जिन्होंने दौर दोर के दौरान फोन पर उनके साथ व्यवहार के लिए उसे डाटा था विलियम की माफ़ी मांगता है और अंत में उसे एक साक्षात्कार के रूप में देखता है रसेल ने लेख को रोलिंग स्टोर से सत्यापित किया और जो इसे एक कवर फीचर के रूप में चलाता है पोनी पेनी मोर्स को जाने की अपनी लंबे समय से चल रही कल्पना को पूरा करती है जबकि इसे स्टल इस फिर से बस में यात्रा करता है ढालना में देखा गया है कि विलियम्स मिलर के रूप में पैट्रिक फूडी गिटने के दाने बनाए और युवा विलियम्स के रूप में माइकल ओंगा ओंगा रानो ने के दाने बनाए रसेल हेमंड के रूप में बिली कोडोप नजर आए और एलन मिलर के रूप में फ्रांसिस मेलबोरो में नजर आए और पैनी लेड के रूप में कैट हडसन ने के दाने बाद जेफ बेवे के रूप में जैसन ली के दाने जुई जुई डेसनेल अनिता मिलर के रूप में नजर आए किया एफ्रोडिसिया के रूप में अन्ना पेक्विन नजर आए और नीलमणि के रूप में फेरोजा बाल्क ने किरदा ने और एस्टेला स्टार के रूप में बिजो फिलिप्स ने किरदाने आया नूहू टेलर डिक रोसवेल के रूप में नजर आए और लेस्टर बेगस के रूप में फिलिप सेम होफमैन ने किदाने बैन फोंग टोरेस के रूप में चेटे चेन ने किदाने जे बरूचे विक मनोरज के रूप में नजर आए और डेनिस होप के रूप में जिमी फोन फोलन ने किरदा निभाया डेविड हेल्टन के रूप में रेन विल्सन ने के दाने बनाया और लेरी फेलो के रूप में मार्क कोले कोजे लेक ने के दाने लेसली हेमंड के रूप में लिज स्टोबर ने के दाने बनाया जेक वार्ड ड्री रेड डोम के रूप में नजर आए और एड वानेटकॉर्ट के रूप में जॉन फेडिविज ने कि दाने डेस्क क्लर्क सोल्डन के रूप में एरिक स्टोन स्ट्रिक ने किदानेबाया नाराज प्रोमेट के रूप में मार्क हैन मेरन ने कि दाने और जेन वेनर टैक्सी यात्री के रूप में नजर और पीटर फ्रेप्टन रेक के रूप में नजर और ईगल्स रोड मैनेजर के रूप में मिच है ऑलमोस्ट फेमस मूवी के फैक्टो रिव्यू ऑलमोस्ट फेमस 2000 की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैमरून को द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करें जिसमें बिली कुडुप एंड फ्रांसिस मैकडोर मेड्स कैट हडसन पैट्रिक फूगिट्स और फिलिप सेमुल होपमैन ने अभिनय किया है यह एक किशोर पत्रकार की कहानी है जिसका किरदार फुट ने निभाया था जो सन 1970 के दशक की शुरुआत में रोलिंग स्टोन पत्रिका के लिए, लिए लिख रहा था काल्पनिक रॉक बैंड एंड सिल्वर के साथ दौरा कर रहा था जब और बैंड पर अपनी पहली कवर स्टोरी लिख रहा था यह फिल्म अर्ध आत्मकथानात्मक क्योंकि यह क्रो स्वयं रोलिंग स्टोल के लिए एक किशोर लेखक थे फिल्म का निर्देशक कैमरून क्रो है लेखक है कैमरून क्रो उत्पादित है कैमरून क्रो और इयान ब्राइस अभिनेत्री है पैट्रिक फोगेट और बिली कुडुप है फ्रांसिस है कैट हेडसन है, है जेसन ली है अन्ना पक्विन है फेरोजा बालक है नूह टेलर है और फिलिप सेमुअर होपमैन है छायाकन है जॉन टोल का संपादित किया जो हसिंग ने और सार्कलेन ने संगीत दिए ने इस उत्पादन कंपनी कोलम्बिया पिक्चर्स और ड्रीम वर्कर्स पिक्चर और विनाइल पिक्चर द्वारा वितरित किया ड्रीमसर डिस्ट्रीब्यूशन एल सी सी संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलम्बिया कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन दिस्टि, इंटरनेशनल द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख आठ सितंबर सन 2000 को टी आई एफ एफ में और बाईस दिसंबर 2000 को संयुक्त अमेरिका में यह फिल्म रिलीज हुई कार्यक्रम का समय एक सौ बाईट में देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म ने सिनेमाघरों में खराब प्रदर्शन किया और 60 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 47.4 मिलियन की कमाई की और वित्तीय कमी के बावजूद इसको आलोचकों से व्यापक सफलता मिली और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा की जीत था। चार एक आदमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त के इसे मोशन पिक्चर टेलीविजन या अन्य विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ संकलन साउंडट्रैक एल्बम के लिए 2001 के ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया रोजर एडबर्ट्स ने इसे साल की सबसे फिल्म के साथ साथ सन दो के दशक की नौवीं सबसे फिल्म बताया गया था इसने सबसे मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी सबसे अभिनेत्री मोशन पिक्चर दो के लिए दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीते तब से यह एक पथंग क्लासिक बन गई और बीबीसी द्वारा आयोजित तो 2016 के अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ऑलमोस्ट फेमस हो 2000 के बाद सबसे बड़ी फिल्म का दर्जा दिया गया और हॉलीवुड रिपोर्टर सन 2014 की सूची के स्टूडियो प्रमुख द्वारा मतदान किया गया और टीवी रॉयल्टी एलमेट्स फेमस और सर्वकालीन इकहत्तरवीं महानतम फिल्म का दर्जा दिया गया और फिल्म का नामक मंचीय संगीत रूपांतरण नवंबर दो को ब्रॉडवे पर शुरू हुआ कथनक सन उन्नीस में सैन डीए में प्रतिभावक बालक विलियम मिलर फिट होने के लिए संघर्ष करता है जिसका जीवन यह जानने के बाद भी जटिल हो जाता है कि उसकी विधवा कॉलेज प्रोफेसर माँ एलिन ने उसे झूठ विश्वास दिलाया था और वह 12 साल का विलियम वास्तव में 11 साल का था उसने 5 साल की उम्र में पहली कक्षा शुरू की थी और पांचवी कक्षा छोड़ दी थी मजबूत इरादे वाली एलेन के रोक संगीत पर सख्त प्रतिबंध और टॉप और पॉप संस्कृति से डर का उसके बच्चे पर स्थायी प्रभाव पड़ा आखिरकार विलियम्स की वर्षीय बहन अनीता को सैन फ्रांसिको जोन के फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए मजबूर होना पड़ा सन उन्नीस पंद्रह वर्ष का था अनीता के गुप्त रोग एल्बमों में प्रभावित होकर एक रोक पत्रकार बनने की इच्छा रखता था और सैन डियोगो में भूमिगत पत्रों के लिए स्वतंत्र लेखा लिखता था रोक पत्रकार लेस्टर बेगस विलियम्स के लेखन से प्रभावित होकर उन्हें ब्लैक सब बात कॉन्सर्ट्स की समीक्षा करने के लिए पैंतालीस थर्टी फाइव डॉलर का अनसाइट देते थे शुरुआती बैंड सिल्विस्टो सिल्विस्ट के आने से विलियम को मंच के पीछे जाने की रोक दिया गया और विलियम आसानी से अंदर आ जाता था और तो मुख्य गिटार वादक से रसेल हेमंड उसे एवर एक उसके लिए नए परिचित अनुभवी ग्रुपी पेन लेन को पसंद करते थे जिसके उन्हें अपने अधीन कर दिया गया रूढ़िवादी समूह के रूप में व्यवहार करने के लिए बावजूद पेनी लेन इस बात पर जोर देती दे थी कि वह और उसके दोस्त बैंड एडस के हैं और एक शब्द जिसका आविष्कार उन्होंने महिला प्रशंसा का वर्णन करने के लिए किया था जो रोग सितारों की तुलना में संगीत के लिए अधिक है ब्लैक सब बात पर हिमलन के लेख कुल देखने पर रोलिंग स्टोन को संपादक बैन फोग टोरेस से सिल्वर स्टार के बारे में एक लेखन लिखने के लिए विलियम्स को काम पर रखा गया और उसे बैंड के साथ सड़क पर भेजा गया विलियम्स अन्य बैंड सदस्यों को साक्षारात्मक लेता है लेकिन रसेल बार बार उसे टाल देता है और रसेल और मुख्य गायक जेफ बेबे के बीच तनाव जल्द ही स्पष्ट हो गया बैंड की पहली टी शर्ट की रिलीज से भी अधिक खटास आ गई जिसमें इस रसेल के साथ एक पूर्ण बैंड शॉर्ट दिखाया गया जबकि बॉबी बाकी बैंड छाया में है और विलियम्स को बैंड द्वारा मजाक मजाक में मजाक में दुश्मन कहा जाता था क्योंकि वह एक पत्रकार है लेकिन जैसे जैसे वे उनके आंतरिक दायरे में एका होता है तो वह धीरे धीरे अपनी निष्पक्षता लगता, लगता रिकॉर्ड लेवल स्थानों को प्रोमोटरों के साथ साथ समस्याओं को संभालने के लिए एक पेशेवर प्रबंधक डेनिस को नियुक्त करता है और पैनी को बैंड के न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले छोड़ना होगा जहां रसेल की परिमिकार लेसली उनके साथ शामिल होकर पैनी और उसके तीन भविष्य बैंड सहायकों -को, पो, को पोकर गेम में दूसरे बैंड के साथ जुआ खेला जाता है पेनी लापरवाही से काम करती है लेकिन तबाह हो जाती है इस बीच डेनिस ने एक छोटा विमान किराए पर लिया ताकि बैंड अधिक कार्यक्रम बजा सके पेनी बिना बुलाए न्यूयॉर्क रेस्तरा में पहुंच जाती है जहां वे इस खबर का जश्न मना रहे हैं कि उन्हें रोलिंग स्टोन के कवर पर दिखाया जाएगा रसेल का स्थान ध्यान आकर्षित करने की उनकी कोशिश का पता चलने के बाद पैनी को जाने के लिए कहा गया विलियम उसका पीछा करते हुए उसके होटल तक जाता है जहां वह उसे क्वाइलुट्स का अधिक अधिक मात्रा में सेवन करने से बचाता अगले दिन यह कार्यक्रम के लिए उड़ान भरने पर विमान को गंभीर मौसम का सामना करना पड़ता विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर डर से कई लोग हर कोई अपने रहस्य में कबूल कर लेता है जबकि जेफ और रसील के बीच लंबे समय से चल रहे हैं संघर्ष भड़क गया और जेफ द्वारा पोनी का अपमान करने के बाद विलियम ने प्रे, पेनी को प्रति अपने प्यार का इजहार किया और विमान टूपेलो को सुरक्षित रूप से उतारा गया जिससे हर कोई बदले हुए माहौल का विचार करने लगा और विलियम सैन फ्रांसिसको में रोलिंग स्टोन कार्यालय पहुंचता है लेकिन उसे लेख पूरा करने में कठिनाई होती है मदद मांगते हुए वेलेस्टर बेगस को फोन करता है जो कहता है कि विलियम बैंड का हिस्सा बनने में पसंद फंस गया है उनका कहना है कि उनके साथ उनकी कथित दोस्ती वास्तविक नहीं थी और वह ईमानदार और निर्दय बनने की सलाह देते थे रोलिंग स्टोन को संपादकों ने विलियम को पूर्ण लेख की प्रशंसा की लेकिन जब पत्रिका के तहत जांचकर्ता ने बैंड को फोन किया तो रसेल ने स्टल वाटर की छवि की रक्षा करने के लिए झूठ बोला और दावा किया कि इसमें से अधिकांश झूठ और रोलिंग स्टोल ने विलियम्स को कुछ चलते हुए लेख को खत्म कर दिया और दवाई हवाई अड्डे पर अनीता का सामना उदास में विलियम्स से होता है और उसे कभी भी ले जाने की पेशकश करती है उनके लिए सैन डियागो में उनके घर जाने का विकल्प चुना और जहां उनकी माँ एलियन उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है सफ सफायर बेड्स एड्स के विशेषज्ञों में से एक विलियम को धोखा देने के लिए के लिए रसेल को दंडित करता है फिर वह पोनी का फोन करता है जिस उससे मिलना चाहता है लेकिन वह उसे अपने पास पते के बजाय विलियम का पता देकर उसे धोखा देती है वह आता है और खुद को विलियम की माँ से, अप मा से मा आमने सामने पाता है जिन्होंने दौर से दौर के दौरान फोन पर उनके साथ व्यवहार के लिए उसे डाटा था विलियम की माफी मांगता है और अंत में उसे एक साक्षात्कार के रूप में देखता है रसेल ने लेख को रोलिंग स्टोर से सत्यापित किया और जो इसे एक कवर फीचर के रूप में चलाता है पोनी पैनी को जाने की अपनी लंबे समय से चल रही कल्पना को पूरा करती है जबकि इससे इस वॉटर फिर से बस में यात्रा करता है डालना में देखा गया है कि विलियम्स मिलर के रूप में पैट्रिक फूडिटने के दाने बाया और युवा विलियम्स के रूप में माइकल ओंग ओंगो ने के दानिभा सेल हेमट के रूप में बिली कोडुप नजर आए और एलन मिलर के रूप में फ्रांसिस मैगडोर नजर आए और पैनी लेड के रूप में कैट हडसन ने किरदार जेफ बेवे के रूप में जैसन ली ने किरदार जूई जूई अनीता मिलर के रूप में नजर एफ्रोडिसिया के रूप में अन्ना पैक्विन नजर आए और नीलमणि के रूप में फेरूजा बाल्क ने किरदार एस्टेला स्टार के रूप में बिजो फिलिप्स ने किरदाने नूहू टेलर डिक रोसवेल के रूप में नजर आए और लेस्टर बेगस के रूप में फिलिप सेमोर हॉप मैन ने के दानी बैन फोंग टॉरेस के रूप में चेटे टेरी ने के दाने, Fonk, के चे, चेन ने के दाने जे बरूचे विक मनोरोज के रूप में नजर आया और डेनिस हॉप के रूप में जिमी फोन फोलन ने के डेविड्स बाया हेल्टन के रूप में रेन विल्सन ने के और लेरी फेलो के रूप में मार्क कोजे लेकने के दानेबा लेसली हेमंड के रूप में लिज स्टोबर ने के दाने वा, जेक वार्ड रेड डोम के रूप में नजर आए और एड वन एट कॉर्ट के रूप में जॉन फेडीविच ने किदानी डेस्क क्लर्क सोल्डन के रूप में एरिक स्टोन स्ट्रिक ने किदानी बाया नाराज प्रोमेट के रूप में मार्क हैन मेरन ने किदानी और जेन वेनर टैक्सी यात्री के रूप में नजर और पीटर फ्रेम्सटन रेक के रूप में नजर आया और ईगल्स रोड मैनेजर के रूप में मिच है ऑलमोस्ट फेमस मूवी के फैक्टो रिव्यू ऑलमोस्ट फेमस दो की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैमरून को द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया दोस्तों इस चैनल पर नए तो चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करें, करें। जिसमें बिली फ्रांसिस मेड्स कैट हडसन पैट्रिक फुगिट्स और फिलिप सेमुल होपमैन ने अभिनय किया है यह एक किशोर पत्रकार की कहानी है जिसका किरदार फुट ने निभाया था जो सन 1970 के दशक की शुरुआत में रोलिंग स्टोन पत्रिका के लिए लिख रहा था काल्पनिक रॉक बैंड एंड सिल्वर के साथ दौरा कर रहा था जब और बैंड पर अपनी पहली कवर स्टोरी लिख रहा था यह फिल्म अर्ध आत्मकथान क्योंकि यह क्रो स्वयं रोलिंग स्टॉल के लिए एक किशोर लेखक थे फिल्म का निर्देशक कैमरून क्रो है लेखक है कैमरून क्रो उत्पादित है कैमरून क्रो और इयान ब्राइस अभिनेती है पैट्रिक फोगेट और बिली कुडुप है फ्रांसिस है, है कैट हेडसन है जेसन ली है अन्ना पकविन है फेरोजा बाल्क है नुह टेलर है और फिलिप होपमैन होपमेन छाया है जॉन टोल का संपादित किया जो हसिंग हस ने और क्लेन ने संगीत दिया नैनसी विल्सन ने उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स और ड्रीम वर्कर्स पिक्चर और विनाइल्स पिक्चर द्वारा वितरित किया ड्रीम वर्कर्स डिस्ट्रीब्यूशन एलसी संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख आठ सितंबर सन दो को टी आई एफ एफ में और बाईस दिसंबर दो को संयुक्त राज्य अमेरिका में यह फिल्म रिलीज हुई कार्यक्रम का समय एक सौ बाईट में देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म ने सिनेमाघरों में खराब प्रदर्शन किया और साठ मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में फोर्टी सेवन पॉइंट फोर मिलियन की कमाई की और वित्तीय कमी के बावजूद इसको आलोचकों से व्यापक सफलता मिली और सरसठ मूल पटक की जीत था सहित चार अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त के इसे मोशन पिक्चर टेलीविजन या अन्य विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ संकलन साउंड ट्रैक एल्बम के लिए 2001 के ग्रेमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया रोजर ने इसे साल की सबसे सन दो के, के दशक की नौवीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताया गया था इसने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री मोशन पिक्चर दो के लिए दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीते तब से यह एक प्रथम क्लासिक बन गई और बीबीसी द्वारा आयोजित 2016 के अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ऑलमोस्ट फेमस हो को जो दो के बाद सेवेंटी सबसे बड़ी फिल्म का दर्जा दिया गया और हॉलीवुड रिपोर्टर सन दो की सूची के स्टूडियो प्रमुखों ऑस्कर ओस्कर के द्वारा मतदान किया गया और टीवी रॉयल्टी एलमेट्स फेमस और सर्वकालीन इकहत्तरवीं महानतम फिल्म का दर्जा दिया गया और फिल्म का नामक मंचीय संगीत रूपांतरण नवंबर 2022 को ब्रॉडवे पर शुरू हुआ कथनक सन उन्नीस में उनहत्तर में सेंडीएक में प्रतिभावक बालक विलियम मिलर फिट होने के लिए संघर्ष करता है जिसका जीवन यह जानने के बाद भी जटिल हो जाता है कि उसकी विधवा कॉलेज प्रोफेसर माँ एलेन ने उसे झूठ विश्वास दिलाया था और वह 12 साल का विलियम वास्तव में 11 साल का था उसने 5 साल की उम्र में पहली कक्षा शुरू की थी और पांचवी कक्षा छोड़ दी थी मजबूत इरादे वाली एलेन के रोक संगीत पर सख्त प्रतिबंध और टॉप और पॉप संस्कृति से डर का उसके बच्चे पर स्थायी प्रभाव पड़ा आखिरकार विलियम्स की अठारह वर्षीय बहन अनीता को सैन फ्रांसिस्को जोन के फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए मजबूर होना पड़ा सन उन्नीस अब तिहत्तर वर्ष का था अनीता के गुप्त रोग एल्बमों में प्रभावित होकर एक रोक पत्रकार बनने की इच्छा रखता था और सैन डिएगो में भूमिगत पत्रों के लिए स्वतंत्र लेखा लिखता था रोक पत्रकार लेस्टर बेगस विलियम्स के लेखन से प्रभावित होकर उन्हें ब्लैक सब बात कॉन्सर्ट्स की समीक्षा करने के लिए पैंतालीस थर्टी फाइव डॉलर का अनसाइट देते थे शुरुआती बैंड वाटर के आने से विलियम को मंच के पीछे जाने की रोक दिया गया और विलियम आसानी से अंदर आ जाता था तो और मुख्य गिटार वादक से रसेल हेमंड उसे और एक उसके लिए नए परिचित अनुभवी ग्रुपी पेन लेन को पसंद करते थे जिसके उन्हें अपने अधीन कर दिया गया रूढ़िवादी समूह के रूप में व्यवहार करने के लिए बावजूद पेनी लेन इस बात पर जोर देते दे थे दे कि वह और उसके दोस्त बैंड के हैं और एक शब्द जिसका आविष्कार उन्होंने महिला प्रशंसा का वर्णन करने के लिए किया था जो रोग सितारों की तुलना में संगीत के लिए अधिक है ब्लैक सब बात पर हिमिलन के लेख कुल देखने पर रोलिंग स्टोन को संपादक बैन फोग स्टार के बारे में एक लेखन लिखने के लिए विलियम्स को काम पर रखा गया और उसे बैंड बैंड के साथ सड़क पर भेजा गया विलियम्स अन्य बैंड सदस्यों को सक्षारात्मक लेता है लेकिन रसेल बार बार उसे टाल देता है और रसेल और मुख्य गायक जेफ बेबे के बीच तनाव जल्द ही स्पष्ट हो गया बैंड की पहली टी शर्ट की रिलीज से भी अधिक खटास आ गई जिसमें रसेल के साथ एक पूर्ण बैंड शोट दिखाया गया जबकि बॉबी

लेसली उनके साथ शामिल होकर पैनी और उसके तीन भविष्य बैंड सहायकों को पो को पोकर गेम में दूसरे बैंड के साथ जुआ खेला जाता है पैनी लापरवाही से काम करती है लेकिन तबाह हो जाती है इस बीच डेनिस ने एक छोटा विमान किराए पर लिया ताकि बैंड अधिक कार्यक्रम बजा सके पैनी बिना बुलाए न्यूयॉर्क रेस्तरा में पहुंच जाती है जहां वे इस खबर का जश्न मना रहे हैं कि उन्हें रोलिंग स्टोन के कवर पर दिखाया जाएगा रसेल का स्थान ध्यान आकर्षित करने की उनकी कोशिश का पता चलने के बाद पैनी को जाने के लिए कहा गया विलियम उसका पीछा करते हुए उसके होटल तक जाता है जहां वह उसे क्वाइलुट्स का अधिक अधिक मात्रा में सेवन करने से बचाता अगले दिन यह कार्यक्रम के लिए उड़ान भरने पर विमान को गंभीर मौसम का सामना करना पड़ता विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर डर से कई लोग हर कोई अपने रहस्य में कबूल कर लेता है जबकि जेफ और रसील के बीच लंबे समय से चल रहे यह संघर्ष भड़क गया और जेफ द्वारा पोनी का अपमान करने के बाद विलियम ने प्रे, पेनी को प्रति अपने प्यार का इजहार किया और विमान टूपेलो को सुरक्षित रूप से उतारा गया जिससे हर कोई बदले हुए माहौल का विचार करने लगा और विलियम सैन फ्रांसिसको में रोलिंग स्टोन कार्यालय पहुंचता है लेकिन उसे लेख पूरा करने में कठिनाई होती है मदद मांगते हुए वेलेस्टर बेगस को फोन करता है जो कहता है कि विलियम बैंड का हिस्सा बनने में पसंद फंस गया है उनका कहना है कि उनके साथ उनकी कथित दोस्ती वास्तविक नहीं थी और उन वह ईमानदार और निर्दय बनने की सलाह देते थे रोलिंग स्टोन को संपादकों ने विलियम को पूर्ण लेख की प्रशंसा की लेकिन जब पत्रिका के तहत जाँचकर्ता ने बैंड को फोन किया तो रसेल ने स्टल वाटर की छवि की रक्षा करने के लिए झूठ बोला और दावा किया कि इसमें से अधिकांश झूठ और रोलिंग स्टोल ने विलियम्स को कुछ चलते हुए लेख को खत्म कर दिया और दवाई हवाई अड्डे पर अनीता का सामना उदास में विलियम्स से होता है और उसे कभी भी ले जाने की पेशकश करती है उनके लिए सैन डियागो में उनके घर जाने का विकल्प चुना और जहाँ उनकी माँ एलेन उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है सफ सफायर बेड एड्स के विशेषज्ञों में से एक विलियम को धोखा देने के लिए के लिए रसेल को दंडित करता है फिर वह पोनी का फोन करता है जिस उससे मिलना चाहता है लेकिन वह उसे अपने पास पते के बजाय विलियम का पता देकर उसे धोखा देती है वह आता है और खुद को विलियम की से अप मा, से मा आमने सामने पाता है जिन्होंने दोर के दौरान फोन पर उनके साथ व्यवहार के लिए उसे डाटा था विलियम की माफी मांगता है और अंत में उसे एक साक्षात्कार के रूप में देखता है रसेल ने लेख को रोलिंग स्टोर से सत्यापित किया और जो इसे एक कवर फीचर के रूप में चलाता है पोनी पैनी को जाने की अपनी लंबे समय से, से चल रही कल्पना को पूरा करती है जबकि इसे इस वॉटर फिर से बस में यात्रा करता है डालना में देखा गया है कि विलियम्स मिलर के रूप में पैट्रिक फूड गिटने के दाने बनाया और युवा विलियम्स के रूप में माइकल ओंग रानो ने के दानी सेल हेमट के रूप में बिली कोडोप नजर आए और एलिन मिलर के रूप में फ्रांसिस मैगडोर में नजर आया और पैनी लेड के रूप में कैट हार्डसन ने के जेफ बेवे रूप में किसन ली ने के रूप में अन्ना पैक्विन नजर आए और नीलमणि के रूप में फेरूजा बालक ने के एस्टेला स्टार के रूप में बिजो फिलिप्स ने किरदाने नूहू टेलर डिक रोसवेल के रूप में नजर आए और लेस्टर बेगस के रूप में फिलिप सेमोर होफ मैन ने के दानी बैन फोंग टॉरेस के रूप में के जे विक मनोरोज रूप में नजर आया और डेनिस होप के रूप में जिमी फोन फोलन ने के दाने डेविड्स हेल्टन के रूप में रेन विल्सन ने के दाने और लेरी फेलो के रूप में मार्क कोजे लेखने के दाने लेसली हेमंड के रूप में लिज स्टोबर ने के दाने बया जेक वार्ड एलिजेडरी रेड डोम के रूप में नजर आए और एड वन एट कॉर्ट के रूप में जॉन फेडिविच ने किदाने डेस्क क्लर्क सोल्डन के रूप में एरिक स्टोन स्ट्रिक ने किदानी बाया नाराज प्रोमेट के रूप में मार्क हैन मेरन ने किदाने और जेन वेनर टैक्सी यात्री के रूप में नजर और पीटर फ्रेम्पस्टन रेक के रूप में नजर आया और ईगल्स रोड मैनेजर के रूप में मिच है कि ऑलमोस्ट फेमस मूवी के फैक्टो रिव्यू ऑलमोस्ट फेमस दो की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैमरून को द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया दोस्तों इस चैनल पर नए तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें जिसमें बिली एंड फ्रांसिस मेड्स कैट हडसन पैट्रिक फुगिट्स और फिलिप सेमुल होपमैन ने अभिनय किया है यह एक किशोर पत्रकार की कहानी है जिसका किरदार फुगिट ने निभाया था जो सन उन्नीस के दशक की शुरुआत में रोलिंग स्टोन पत्रिका के लिए लिख रहा था काल्पनिक रॉक बैंड एंड सिल्वर के साथ दौरा कर रहा था जब और बैंड पर अपनी पहली कवर स्टोरी लिख रहा था यह फिल्म अर्ध आत्मकथाना क्योंकि यह क्रो स्वयं रोलिंग स्टॉल के लिए एक किशोर लेखक थे फिल्म का निर्देशक कैमरून क्रो है लेखक है कैमरून क्रो उत्पादित है कैमरून क्रो और इयान ब्राइस अभिनेती है पैट्रिक फोगेट और बिली कुडुप है फ्रांसिस मैकडो डोरमेंड है।, है कैट हेडसन है जेसन ली है अन्ना पक्विन है फेरोजा बाल्क है नुह टेलर है और फिलिप सेमूर होपमेन हैं, जॉन टोल का संपादित किया जो हसिंग ने और सार्कलेन ने संगीत दिए ने उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स और ड्रीम वर्कर्स पिक्चर और विनाइल्स पिक्चर्स द्वारा वितरित किया ड्रीम वर्कर्स डिस्ट्रीब्यूशन एलसी संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा इंटरनेशनल में एक रिलीज की तारीख आठ सितंबर सन दो को टी में और बाईस दिसंबर दो को संयुक्त राज्य अमेरिका में यह फिल्म रिलीज हुई कार्यक्रम का कर समय एक सौ बाईट में देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म ने सिनेमाघरों में खराब प्रदर्शन किया और साठ मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में फोर्टी सेवन पॉइंट फोर मिलियन की कमाई की और वित्तीय कमी के बावजूद इसको आलोचकों से व्यापक सफलता मिली और सर्वसेठ मूल पटक की जीत था हाँ सहित चार अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त के इसे मोशन पिक्चर टेलीविजन या अन्य विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ संकलन साउंड ट्रैक एल्बम के लिए 2001 के ग्रेमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया रोजर एडबर्ट ने इसे साल की सर्वसेट फिल्म के साथ साथ सन दो के दशक की नौवीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताया गया था इसने सर्स मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री मोशन पिक्चर दो के लिए दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीते तब से यह एक थम क्लासिक बन गई और बीबीसी द्वारा आयोजित तो 2016 के अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ऑलमोस्ट uh, फेमस हो गुन दो के बाद सेवेंटी नाइनवीं सबसे बड़ी फिल्म का दर्जा दिया गया और हॉलीवुड रिपोर्टर सन 2014 की सूची के स्टूडियो प्रमुखों ऑस्कर ओस्कर विजेता द्वारा मतदान किया गया और टीवी रॉयल्टी एलमेट्स फेमस और सर्वकालीन इकहत्तरवीं महानतम फिल्म का दर्जा दिया गया और फिल्म का नामक मंचीय संगीत रूपांतरण नवंबर दो को ब्रॉडवे पर शुरू हुआ कथनाक सन उन्नीस सौ उनहत्तर में सैन डी में प्रतिभावक बालक विलियम मिलर फिट होने के लिए संघर्ष करता है जिसका जीवन यह जानने के बाद भी जटिल हो जाता है कि उसकी विधवा कॉलेज प्रोफेसर माँ एलन ने उसे झूठ विश्वास दिलाया था और वह 12 साल का विलियम वास्तव में 11 साल का था उसने 5 साल की उम्र में पहली कक्षा शुरू की थी और पांचवी कक्षा छोड़ दी थी मजबूत इरादे वाली एलन के रॉक संगीत पर सख्त प्रतिबंध और टॉप और पॉप संस्कृति से डर का उसके बच्चे पर स्थायी प्रभाव पड़ा आखिरकार विलियम्स की वर्षीय बहन अनीता को सैन फ्रांसिको जोन के फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए मजबूर होना पड़ा सन उन्नीस में विलियम्स जो अब पंद्रह वर्ष का था अनीता के गुप्त रोक एल्बमों में प्रभावित होकर एक रोक पत्रकार बनने की इच्छा रखता था और सैन डिएगो में भूमिगत पत्रों के लिए स्वतंत्र लेखा लिखता था रोक पत्रकार लेस्टर बेगस विलियम्स के लेखन से प्रभावित होकर उन्हें ब्लैक सब बात की समीक्षा करने के लिए पैंतालीस थर्टी फाइव डॉलर का शुरुआती बैंड वाटर के आने से विलियम को मंच के पीछे जाने की रोक दिया गया और विलियम आसानी से अंदर आ जाता था और तो मुख्य गिटार वादक से रसेल हेमंड उसे और एक उसके लिए नए परिचित अनुभवी ग्रुपी पेन लेन को पसंद करते थे जिसके उन्हें अपने अधीन कर दिया गया रूढ़ीवादी समूह के रूप में व्यवहार करने के लिए बावजूद पेनी। लेन इस बात पर दे दे वह और उसके दोस्त बैंड एडस हैं और एक शब्द जिसका आविष्कार उन्होंने महिला प्रशंसा का वर्णन करने के लिए किया था जो रोग सितारों की तुलना में संगीत के लिए अधिक है ब्लैक सब बात पर हिमलन के लेख कुल देखने पर रोलिंग स्टोन को संपादक बैन फोग टोरेस से सिल्वर स्टार के बारे में एक लेखन लिखने के लिए विलियम्स को काम पर रखा गया और उसे बैंड के साथ सड़क पर भेजा गया विलियम्स अन्य बैंड सदस्यों को साक्षारात्मक लेता है लेकिन रसेल बार बार उसे टाल देता है और रसेल और मुख्य गायक जेफ बेबे के बीच तनाव जल्द ही स्पष्ट हो गया बैंड की पहली टी शर्ट की रिलीज से भी अधिक खटास आ गई जिसमें रसेल के साथ एक पूर्ण बैंड शोट दिखाया गया जबकि बॉबी बाकी बैंड छाया में है और वह मजाक में, मजाक में एक पत्रकार है, लेकिन जैसे जैसे वे उनके दायरे में एका होता है तो वह धीरे धीरे अपनी निष्पक्षता लगता, लगता, रिकॉर्ड लेवल स्थानों को प्रोमोटरों के साथ साथ समस्याओं को संभालने के लिए एक पेशेवर प्रबंधक डेनिस को नियुक्त करता है और पैनी को बैंड के न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले छोड़ना होगा जहां रसेल की परेमिकार लेसली उनके साथ शामिल होकर और उसके तीन भविष्य बैंड सहायकों -को, पो, को पोकर गेम में दूसरे बैंड के साथ जुआ खेला जाता है पेनी लापरवाही से काम करती है लेकिन तबाह हो जाती है इस बीच डेनिस ने एक छोटा विमान किराए पर लिया ताकि बैंड अधिक कार्यक्रम बजा सके पैनी बिना बुलाए न्यूयॉर्क रेस्तरा में पहुंच जाती है जहां वे इस खबर का जश्न मना रहे हैं कि उन्हें रोलिंग स्टोन के कवर पर दिखाया जाएगा रसेल का स्थान ध्यान आकर्षित करने की उनकी कोशिश का पता चलने के बाद पैनी को जाने के लिए कहा गया विलियम उसका पीछा करते हुए उसके होटल तक जाता है जहां वह उसे क्वाइलुट्स का अधिक अधिक मात्रा में सेवन करने से बचाता अगले दिन यह कार्यक्रम के लिए उड़ान भरने पर विमान को गंभीर मौसम का सामना करना पड़ता विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर डर से कई लोग हर कोई अपने रहस्य में कबूल कर लेता है जबकि जेफ और रसील के बीच लंबे समय से चल रहे यह संघर्ष भड़क गया और जेफ द्वारा पोनी का अपमान करने के बाद विलियम ने प्रे, पेनी को प्रति अपने प्यार का इजहार किया और विमान टूपले टूपेलो को सुरक्षित रूप से उतारा गया जिससे हर कोई बदले हुए माहौल का विचार करने लगा और विलियम सैन फ्रांसिसको में रोलिंग स्टोन कार्यालय पहुंचता है लेकिन उसे लेख पूरा करने में कठिनाई होती है मदद मांगते हुए वेलेस्टर बेगस को फ़ोन करता है जो कहता है कि विलियम बैंड का हिस्सा बनने में पसंद फंस गया है उनका कहना है कि उनके साथ उनकी कथित दोस्ती वास्तविक नहीं थी और उन वह ईमानदार और निर्दय बनने की सलाह देते थे रोलिंग स्टोन को संपादकों ने विलियम को पूर्ण लेख की प्रशंसा की लेकिन जब पत्रिका के तहत करते ने बैंड को फोन किया तो रसेल ने स्टल ने वाटर की छवि की रक्षा करने के लिए झूठ बोला और दावा किया कि इसमें से अधिकांश झूठ और रोलिंग स्टोन ने विलियम्स को कुछ चलते हुए लेख को खत्म कर दिया और दवाई हवाई अड्डे पर अनीता का सामना उदास में विलियम्स से होता है और उसे कभी भी ले जाने की पेशकश करती है उनके लिए सैन डियागो में उनके घर जाने का विकल्प चुना और जहां उनकी माँ इलेन उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है सफ सफायर बेड एड्स के विशेषज्ञों में से एक विलियम को धोखा देने के लिए के लिए रसेल को डलीट करता है फिर वह पोनी का फोन करता है जिस उससे मिलना चाहता है लेकिन वह उसे अपने पास पते के बजाय विलियम का पता देकर उसे धोखा देती है वह आता है और खुद को विलियम की माँ से अप मा, से मा आमने सामने पाता है जिन्होंने दौर दोर के दौरान फोन पर उनके साथ व्यवहार के लिए उसे डाटा था विलियम की माफी मांगता है और अंत में उसे एक साक्षात्कार के रूप में देखता है रसेल ने लेख को रोलिंग स्टोर से सत्यापित किया और जो इसे एक कवर फीचर के रूप में चलाता है पोनी पैनी को जाने की अपनी लंबे समय से, से चल रही कल्पना को पूरा करती है जबकि इससे इस वॉटर फिर से बस में यात्रा करता है डालना में देखा गया है कि विलियम्स मिलर के रूप में पैट्रिक फूड गिटने के दाने भाया और युवा विलियम्स के रूप में माइकल ओंगा रानो ने के दानी सेल हेमट के रूप में बिली कोडो नजर आए और एलन मिलर के रूप में फ्रांसिस मैगडोर में नजर आए और पैनी लेड के रूप में कैट हार्डसन ने किरदार जेफ बेवे के रूप में जेसन ली ने किरदार जूई जूई अनीता मिलर के रूप में पैलिस किया एफरे एफ्रोडिसिया एफ के रूप में अन्ना पैक्विन नजर आए और नीलमणि के रूप में फेरूजा बाल्क ने किरदार किरदाने एस्टेला स्टार के रूप में बिजो फिलिप्स ने किदाने नूह टेलर डिक रोसवेल के रूप में नजर आए और लेस्टर बेगस के रूप में फिलिप सेम हॉफ मैन ने किदाने बैन फोंग टॉरेस के रूप में चेटेरी चेन ने कि दानी बाया जे बरूचे विक मनोरज के रूप में नजर आया और डेनिस होप के रूप में जिम्मी फोलन ने किदाने डेविड्स हेल्टन के रूप में रेन विल्सन ने के दाने और लेरी फेलो के रूप में मार्क कोल कोजे लेकिन के दाने लेसली हेमंड के रूप में लिज स्टोबर ने के दाने बया जेक वार्ड एलिजेडी रेड डोम के रूप में नजर आए और एड वन कोर्ट के रूप में जॉन फेडिविच ने कि डेस्क क्लर्क ऑफ फोल्डन के रूप में एरिक स्टोन स्ट्रिक ने किदाने नाराज प्रोमेट के रूप में मार्क हेन मेरन ने किदाने और जेन वेनर टैक्सी यात्री के रूप में नजर और पीटर फ्रेम्पस्टन रेक के रूप में नजर आओ और ईगल्स रोड मैनेजर के रूप में मिच है निभाया आलमोस्ट फेमस मूवी के फैक्टो रिव्यू आलमोस्ट फेमस दो की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैमरून को द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें जिसमें बिली कोडुब्स एंड फ्रांसिस मैकडोरन मेड्स कैट हडसन पैट्रिक फुगिट्स और फिलिप सेमुल हॉपमैन ने अभिनय किया है यह एक किशोर पत्रकार की कहानी है जिसका किरदार फुगिट ने निभाया था जो सन 1970 के दशक की शुरुआत में रोलिंग स्टोन पत्रिका के लिए लिख रहा था काल्पनिक रॉक बैंड एंड सिल्वेस्टार के साथ दौरा कर रहा था जब और बैंड पर अपनी पहली कवर स्टोरी लिख रहा था यह फिल्म अर्ध आत्मकथानात्मक क्योंकि ये क्रो स्वयं रोलिंग स्टॉल के लिए एक किशोर लेखक थे फिल्म का निर्देशक कैमरून क्रो है लेखक है कैमरून क्रो उत्पादित है कैमरून क्रो और इयान ब्राइस अभिनेती है पैट्रिक फोगेट और बिली कुडुप है फ्रांसिस मैकडोर है, है कैट हेडसन है जेसन ली है अन्ना पक्विन है फेरुजा बल बाल्क है नूह टेलर है और फिलिप सेमूर होपमैन है छायांकन है जॉन टोल का संपादित किया जो हसिंग ने और सार क्लेन ने संगीत दिए नैनसी विल्सन ने उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स और ड्रीम वर्कर्स पिक्चर और विनाइल्स पिक्चर द्वारा वितरित किया ड्रीम वर्कसर डिस्ट्रीब्यूशन एल संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलम्बिया कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख 8 सितंबर सन 2000 को टी आई एफ एफ में और 22 दिसंबर 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में यह फिल्म रिलीज हुई कार्यक्रम का समय एक सौ बाईट राज्य अमेरिकी अंग्रेजी फिल्म ने सिनेमा घरों में खराब प्रदर्शन किया और साठ मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया में मिलियन की कमाई के और के बावजूद इसको से व्यापक मिली और सरसेट मूल पटक की जीत सहित चार अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त के इसे मोशन पिक्चर टेलीविजन या अन्य विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ संकलन साउंड ट्रैक एल्बम के लिए दो हजार एक के ग्रेमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया रोजर एडबर्ट्स ने इसे साल की सबसे फिल्म के साथ साथ सन दो के दशक की नौवीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताया गया था इसने सबसे मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी सबसे अभिनेत्री मोशन पिक्चर दो के लिए दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीते तब से यह एक प्रथम क्लासिक बन गई और बीबीसी द्वारा आयोजित तो 2016 के अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ऑलमोस्ट फेमस हो को सन दो हज़ार के बाद सेवेंटी नाइनवीं सबसे बड़ी फिल्म का दर्जा दिया गया और हॉलीवुड रिपोर्टर सन दो हजार चौदह की सूची के स्टूडियो प्रमुखों ऑस्कर ओस्कर विजेता द्वारा मतदान किया गया और टी वी रॉयल्टी एलमेट्स फेमस और सर्वकालीन इकहत्तरवीं महानतम फिल्म का दर्जा दिया गया और फिल्म का नामक मंचीय संगीत रूपांतरण नवंबर दो को ब्रॉडवे पर शुरू हुआ कथनक सन उन्नीस में सैन डी में प्रतिभावक बालक विलियम मिलर फिट होने के लिए संघर्ष करता है जिसका जीवन यह जानने के बाद भी जटिल हो जाता है कि उसकी विधवा कॉलेज प्रोफेसर माँ एलिन ने उसे झूठ विश्वास दिलाया था और वह 12 साल का विलियम वास्तव में 11 साल का था उसने 5 साल की उम्र में पहली कक्षा शुरू की थी और पांचवी कक्षा छोड़ दी थी मजबूत इरादे वाली एलेन के रोक संगीत पर सख्त प्रतिबंध और पॉप और पॉप संस्कृति से डर का उसके बच्चे पर स्थायी प्रभाव पड़ा आखिरकार विलियम्स की अठारह वर्षीय बहन अनिता को सैन फ्रांसिको जोन के फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए मजबूर होना पड़ा सन उन्नीस सौ तिहत्तर में पंद्रह वर्ष का था अनीता के गुप्त रोग एल्बमों में प्रभावित होकर एक रोक पत्रकार बनने की इच्छा रखता था और सैन डिएगो में भूमिगत पत्रों के लिए स्वतंत्र लेखा लिखता था रोक पत्रकार लेस्टर बेगस विलियम्स के लेखन से प्रभावित होकर उन्हें ब्लैक सब्बात कॉन्सर्ट्स की समीक्षा करने के लिए पैंतालीस थर्टी फाइव डॉलर का अनसाइट देते थे शुरुआती बैंड सिल्विटो वाटर के आने से विलियम को मंच के पीछे जाने की रोक दिया गया और विलियम आसानी से अंदर आ जाता था और तो मुख्य गिरा गिटार वादक से रसेल हेमंड उसे और एक उसके लिए नए परिचित अनुभवी ग्रुपी पेन लेन को पसंद करते थे जिसके उन्हें अपने अधीन कर दिया गया रूढ़िवादी समूह के रूप में व्यवहार करने के लिए बावजूद पेनी लेन इस बात पर जोर देते थे कि वह और उसके दोस्त बैंड एडर्स के है और एक शब्द जिसका आविष्कार उन्होंने महिला प्रशंसा का वर्णन करने के लिए किया था जो रोग सितारों की तुलना में संगीत के लिए अधिक हैं ब्लैक सब बात पर हिमिलन के लेक कुल देखने पर रोलिंग स्टोन को संपादक बेन फोग टोरेस से सिल्वर स्टार के बारे में एक लेखन लिखने के लिए विलियम्स को काम पर रखा गया और उसे बैंड के साथ सड़क पर भेजा गया विलियम्स अन्य बैंड सदस्यों को सक्षात्मक लेता है लेकिन रसेल रसेल बार बार उसे टाल देता है और रसेल और मुख्य गायक जेफ बेबे के बीच तनाव जल्द ही स्पष्ट हो गया बैंड की पहली टी शर्ट की रिलीज से भी अधिक खटास आ गई जिसमें इस रसेल के साथ एक पूर्ण बैंड शोट दिखाया गया जबकि बाबी बाकी बैंड छाया में है और विलियम्स को बैंड द्वारा मजाक में, मजाक में दुश्मन कहा जाता था क्योंकि वह एक पत्रकार है लेकिन जैसे जैसे वे उनके आंतरिक डायरेक्ट में एकात्रित होता है तो वह धीरे धीरे अपनी निष्पक्षता खोलने लगता होने लगता रिकॉर्ड लेवल स्थानों को प्रोमोटरों के साथ साथ समस्याओं को संभालने के लिए एक पेशेवर प्रबंधक डेनिस को नियुक्त करता है और पैनी को बैंड के न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले छोड़ना होगा जहां रसेल की परिमिका लेसली उनके साथ शामिल होकर पैनी और उसके तीन भविष्य बैंड सहायकों को, -को पो को पोकर गेम में दूसरे बैंड के साथ जुआ खेला जाता है पेनी लापरवाही से काम करती है लेकिन तबाह हो जाती है इस बीच डेनिस ने एक छोटा विमान किराए पर लिया ताकि बैंड अधिक कार्यक्रम बजा सके पेनी बिना बुलाए न्यूयॉर्क रेस्तरा में पहुंच जाती है जहां वे इस खबर का जश्न मना रहे हैं कि उन्हें रोलिंग स्टोन के कवर पर दिखाया जाएगा रसील का स्थान ध्यान आकर्षित करने की उनकी कोशिश का पता चलने के बाद पैनी को जाने के लिए कहा गया विलियम उसका पीछा करते हुए उसके होटल तक जाता है जहाँ वह उसे क्वाइलूट्स का अधिक अधिक मात्रा में सेवन करने से बचाता अगले दिन यही कार्यक्रम के लिए उड़ान भरने पर विमान को गंभीर मौसम का सामना करना पड़ता है विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर डर से कई लोग हर कोई अपने रहस्य में कबूल कर लेता है जबकि जेफ और रसिल के बीच लंबे समय से चल रहे हैं संघर्ष भड़क गया और जेफ द्वारा पोनी का अपमान करने के बाद विलियम ने प्रे, पेनी को प्रति अपने प्यार का इजहार किया और विमान टूपले टूपेलो को सुरक्षित रूप से उतारा गया जिससे हर कोई बदले हुए माहौल का विचार करने लगा और विलियम सैन फ्रांसिस्को में रोलिंग स्टोन कार्यालय पहुंचता है लेकिन उसे लेख पूरा करने में कठिनाई होती है मदद मांगते हुए वे लेस्टर बेगस को फोन करता है जो कहता है कि विलियम बैंड का हिस्सा बनने में पसंद फंस गया है उनका कहना है कि उनके साथ उनकी कथित दोस्ती वास्तविक नहीं थी और उन वह ईमानदार और निदय बनने की सलाह देते थे रोलिंग स्टोन को संपादकों ने विलियम को पूर्ण लेख की प्रशंसा की लेकिन जब पत्रिका के तहत जांचकर्ता ने बैंड को फोन किया तो रसेल ने ने स्टल वाटर की छवि की रक्षा करने के लिए झूठ बोला और दावा किया कि इसमें से अधिकांश झूठ और रोलिंग स्टोन ने विलियम्स को कुछ चलते हुए लेख को खत्म कर दिया और दवाई हवाई अड्डे पर अनीता का सामना उदास में विलियम्स से होता है और उसे कभी भी ले जाने की पेशकश करती है उनके लिए सैन डियागो में उनके घर जाने का विकल्प चुना और जहां उनकी इलेन।, इलेन उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है सफ सफायर एड्स के लेकिन वह उसे अपने पते के बजाय विलियम का पता देकर उसे धोखा देती है वह आता है और खुद को विलियम की माँ से, माँ से माँ आमने सामने पाता है जिन्होंने दौर दोर के दौरान फोन पर उनके साथ व्यवहार उसे डाटा था विलियम की माफी मांगता है और अंत में उसे एक साक्षात्कार के रूप में देखता है रसेल ने लेख को रोलिंग स्टोर से सत्यापित किया और जो इसे एक कवर फीचर के रूप में चलाता है पोनी पेनी मोर्स को जाने की अपनी लंबे समय से चल रही कल्पना को पूरा करती है जबकि इसे स्टल इस फिर से बस में यात्रा करता है डालना में देखा गया है कि विलियम्स मिलर के रूप में पैट्रिक फ्रूडिटने के दाने बनाए और युवा विलियम्स के रूप में माइकल ओंगा ओंगा रानो ने के दाने बनाया रसेल हेमड के रूप में बिली कुरडुप नजर आए और एलन मिलर के रूप में फ्रांसिस मैकडोर नजर आए और पैनी लेड के रूप में कैट हडसन ने के दाने बाद जेफ बेवे के रूप में जैसन ली ने के दाने जूई जूई डेसनेल अनिता मिलर के रूप में नजर आए किया एफ्रे, एफ्रे, एफ्रोडिसिया के रूप में अन्ना पकविन नजर आए और नीलमणि के रूप में फेरूजा बाल्क ने किरदाने और एस्टेला स्टार के रूप में बिजो फिलिप्स ने किरदाने नूहू टेलर डिक रोसवेल के रूप में नजर आए और लेस्टर बेगस के रूप में फिलिप सेम होफमैन ने किदाने बैन फोंग टोरेस के रूप में चेटे चेन ने किरदाने बया जे बुरुचे विक मनोरज के रूप में नजर आया और डेनिस होप के रूप में जिमी फोन फोलन ने किदाने बया डेविड्स हेल्टन के रूप में रेन विल्सन ने कि और लेरी फेलो के रूप में मार्क कोजे के हेमंड के रूप में लिज लेजे ड्री रेड डोम के रूप में नजर आए और एड वन कॉर्ट के रूप में जॉन फेडीविच ने किए डेस्क क्लर्क सोल्डन के रूप में एरिक स्टोन स्ट्रिक ने किया नाराज प्रोमेट के रूप में मार्क मेरन ने के दाने और जेन वेनर टैक्सी यात्री के रूप में नजर और पीटर फ्रेम्सटन रेक के रूप में नजर और ईगल्स रोड मैनेजर के रूप में मिच है आलमोस्ट फेमस मूवी के फैक्टो रिव्यू आलमोस्ट फेमस 2000 की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैमरून को द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को लाइक करें हरसन, और सब्सक्राइब करें जिसमें बिली कुडुप्स एंड फ्रांसिस मैकडोर कैट हर्डसन पैट्रिक फूगिट्स और फिलिप सेमुल होपमैन ने अभिनय किया है यह एक किशोर पत्रकार की कहानी है जिसका किरदार फुट ने निभाया था जो सन 1970 के दशक की शुरुआत में रोलिंग स्टोन पत्रिका के लिए लिख रहा था काल्पनिक रॉक बैंड एंड सिल्वर के साथ दौरा कर रहा था जब और बैंड पर अपनी पहली कवर स्टोरी लिख रहा था यह फिल्म अर्ध आत्मकथात्मक क्योंकि यह क्रो स्वयं रोलिंग स्टोल के लिए एक किशोर लेखक थे फिल्म का निर्देशक कैमरून क्रो है लेखक है कैमरून क्रो उत्पादित है कैमरून क्रो और इयान ब्राइस अभिनेत्री है पैट्रिक फोगेट और बिली कुडुप है फ्रांसिस है है, है 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 कैट हेडसन जेसन ली अन्ना पक्विन पक फ बालक है नूह टेलर है और फिलिप सेम होपमैन है छायांकन है जॉन टोल का संपादित किया जो हसिंग ने और सार्कलेन ने संगीत दिया नैन्सी विल्सन ने उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स और ड्रीम वर्कर्स पिक्चर और विनाइल्स पिक्चर द्वारा वितरित किया ट्रीम वर्कसर डिस्ट्रीब्यूशन एल सी सी संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलम्बिया कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन दिस्टि, इंटरनेशनल द्वारा इंटरनेशनल में एक रिलीज की तारीख आठ सितंबर सन दो हजार को टी आई एफ एफ में और बाईस दिसंबर दो हज़ार को संयुक्त राज्य अमेरिका में यह फिल्म रिलीज हुई कार्यक्रम का समय एक सौ संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा

अवार्ड से भी सम्मानित किया गया रोजर एडबर्ट्स ने इस साल की सबसे फिल्म के सा सा सन दो के दशक की नौवीं सबसे बताया गया था इसने सबसे मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी सबसे अभिनेत्री मोशन पिक्चर दो के लिए दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीते तब से यह एक पथंग क्लासिक बन गई और बीबीसी द्वारा आयोजित तो 2016 के अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ऑलमोस्ट फेमस हो सन 2000 के बाद सबसे बड़ी फिल्म का दर्जा दिया गया और हॉलीवुड रिपोर्टर सन 2014 की सूची के स्टूडियो प्रमुखों ऑस्कर के द्वारा मतदान किया गया और टीवी रॉयल्टी एलमेट्स फेमस और सर्वकालीन इकहत्तरवीं महानतम फिल्म का दर्जा दिया गया और फिल्म का नामक मंचीय संगीत रूपांतरण नवंबर दो को ब्रॉडवे पर शुरू हुआ कथनक सन उन्नीस में सैन डी में प्रतिभावक बालक विलियम मिलर फिट होने के लिए संघर्ष करता है जिसका जीवन यह जानने के बाद भी जटिल हो जाता है कि उसकी विधवा कॉलेज प्रोफेसर माँ एलिन ने उसे झूठ विश्वास दिलाया था और वह 12 साल का विलियम वास्तव में 11 साल का था उसने 5 साल की उम्र में पहली कक्षा शुरू की थी और पांचवी कक्षा छोड़ दी थी मजबूत इरादे वाली एलेन के रोक संगीत पर सख्त प्रतिबंध और टॉप और पॉप संस्कृति से डर का उसके बच्चे पर स्थायी प्रभाव पड़ा आखिरकार विलियम्स की अठारह वर्षीय बहन अनिता को सैन फ्रांसिको जोन के फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए मजबूर होना पड़ा सन उन्नीस सौ तिहत्तर में पंद्रह वर्ष का था अनीता के गुप्त रोग एल्बमों में प्रभावित होकर एक रोक पत्रकार बनने की इच्छा रखता था और सैन डिएगो में भूमिगत पत्रों के लिए स्वतंत्र लेखा लिखता था रोक पत्रकार लेस्टर बेगस विलियम्स के लेखन से प्रभावित होकर उन्हें ब्लैक सब्बात कॉन्सर्ट्स की समीक्षा करने के लिए पैंतालीस थर्टी डॉलर का साइड देते थे शुरुआती बैंड सिल्विस्टो सिल्विस्ट वाटर के आने से विलियम को मंच के पीछे जाने की रोक दिया गया और विलियम आसानी से अंदर आ जाता था और तो मुख्य गिटार वादक से रसेल हेमंड उसे और एक उसके लिए नए परिचित अनुभवी ग्रुपी पेन लेन को पसंद करते थे जिसके उन्हें अपने अधीन कर दिया गया रूढ़ीवादी समूह के रूप में व्यवहार करने के लिए बावजूद पेनी लेन इस बात पर जोर देते थे कि वह और उसके दोस्त बैंड एडस है और एक शब्द जिसका आविष्कार उन्होंने महिला प्रशंसा का वर्णन करने के लिए किया था जो रोग सितारों की तुलना में संगीत के लिए अधिक है भले एक सब बात पर हिमालयन के लेख कुल देखने पर रोलिंग स्टोन को संपादक बेन फोग टोरेस से सिल्वर स्टार के बारे में एक लेखन लिखने के लिए विलियम्स को काम पर रखा गया और उसे बैंड के साथ सड़क पर विलियम्स बैंड और और हो गया की टी शर्ट की रिलीज से भी अधिक जिसमें रसेल के साथ एक पूर्ण बैंड शोट दिखाया गया जबकि बाबी बाकी बैंड छाया में है और विलियम्स को बैंड द्वारा मजाक में, मजाक में दुश्मन कहा जाता था क्योंकि वह एक पत्रकार है लेकिन जैसे जैसे वे उनके आंतरिक में एक होता है तो वह धीरे धीरे अपनी खोने लगता खोलने लगता रिकॉर्ड स्थानों को प्रोमोटरों के साथ साथ समस्याओं को संभालने के लिए एक पेशेवर प्रबंधक डेनिस को नियुक्त करता है और पैनी को बैंड के न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले छोड़ना होगा जहाँ रसेल की परिमिकार लेस्लि उनके साथ शामिल होकर पैनी और उसके तीन भविष्य बैंड सहायकों को, -को पो को पोकर गेम में दूसरे बैंड के साथ जुआ खेला जाता है पेनी लापरवाही से काम करती है लेकिन तबाह हो जाती है इस बीच डेनिस ने एक छोटा विमान किराए पर लिया ताकि बैंड अधिक कार्यक्रम बजा सके पेनी बिना बुलाए न्यूयॉर्क रेस्तरा में पहुंच जाती है जहां वे इस खबर का जश्न मना रहे हैं कि उन्हें रोलिंग स्टोन के कवर पर दिखाया जाएगा रसील का स्थान ध्यान आकर्षित करने की उनकी कोशिश का पता चलने के बाद पैनी को जाने के लिए कहा गया विलियम उसका पीछा करते हुए उसके होटल तक जाता है जहाँ वह उसे क्वाइलूट्स का अधिक अधिक मात्रा में सेवन करने से बचाता अगले दिन यह कार्यक्रम के लिए उड़ान भरने पर विमान को गंभीर मौसम का सामना करना पड़ता है विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर डर से कई लोग हर कोई अपने रहस्य में कबूल कर लेता है जबकि जेफ और रसील के बीच लंबे समय से चल रहे यह संघर्ष भड़क गया और जेफ द्वारा पोनी का अपमान करने के बाद विलियम ने पेनी को प्रति अपने प्यार का इजहार किया और विमान टूट ले रूपेलो को सुरक्षित रूप से उतारा गया जिससे हर कोई बदले हुए माहौल का विचार करने लगा और विलियम सैन के में रोलिंग स्टोन कार्यालय पहुंचता है लेकिन उसे लेख पूरा करने में कठिनाई होती है मदद मांगते हुए वे लेस्टर बेगस को फोन करता है जो कहता है कि विलियम बैंड का हिस्सा बनने में पसंद फंस गया है उनका कहना है कि उनके साथ उनकी कथित दोस्ती वास्तविक नहीं थी और उन वह ईमानदार और निर्दय बनने की सलाह देते थे रोलिंग स्टोन को संपादकों ने विलियम को पूर्ण लेख की प्रशंसा की लेकिन जब पत्रिका के तहत जाँचकर्ता ने बैंड को फोन किया तो रसेल ने स्टल वाटर की छवि की रक्षा करने के लिए झूठ बोला और दावा किया कि इसमें से अधिकांश झूठ और रोलिंग स्टोन ने विलियम्स को कुछ चलते हुए लेख को खत्म कर दिया और दवाई हवाई अड्डे पर अनीता का सामना उदास में विलियम्स से होता है और उसे कभी भी ले जाने की पेशकश करती है उनके लिए सैन डियागो में उनके घर जाने का विकल्प चुना और जहां उनकी इलेन उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है सफ सफायर के लेकिन वह उसे अपने पते के बजाय विलियम का पता देकर उसे धोखा देती है वह आता है और खुद को विलियम की माँ से, अप माँ से माँ आमने सामने पाता है जिन्होंने दौर दोर के दौरान फोन पर उनके साथ व्यवहार के लिए उसे डाटा था विलियम की माफ़ी मांगता है और अंत में उसे एक साक्षात्कार के रूप में देखता है रसेल ने लेख को रोलिंग स्टोर से सत्यापित किया और जो इसे एक कवर फीचर के रूप में चलाता है पोनी पेनी मोर्स को जाने की अपनी लंबे समय से चल रही कल्पना को पूरा करती है जबकि इसे स्टल इस फिर से बस में यात्रा करता है ढालना में देखा गया है कि

एफ्रोडिसिया एफ एफ के रूप में अन्ना पेक्विन नजर आए और नीलमणि के रूप में फेरूजा बाल्क ने किरदारे में और एस्ट्रेला स्टार के रूप में बिजो फिलिप ने किरदारूहू टेलर डिक रोसवेल के रूप में नजर आए और लेस्टर बेगस के रूप में फिलिप सेम होफमैन ने किदने बैन फोंग टॉरेस के रूप में चेटे चेन ने किरदा निभाया जे बरूचे विक मनोरज के रूप में नजर आया और डेनिस होप के रूप में जिमी फोन फोलन ने किरदा निभाया डेविड हेल्टन के रूप में रेन विल्सन ने किदाने और लेरी फेलो के रूप में मार्क कोजेलिक ने के दाने लेसली हेमंड के रूप में लिज स्टोबर ने कि दाने बनाया जेक वार्ड एलिजेडरी रेड डोम के रूप में नजर आए और एड वानेटकॉर्ट के रूप में जॉन फेडिविच ने किए क्लर्क सोल्डन के रूप में एरिक स्टोन स्ट्रिक ने के दाने बाया नाराज प्रोमेट के रूप में मार्क मेरन ने के दाने भाया और जेन वेनर टैक्सी यात्री के रूप में नजर और पीटर फ्रेम्सटन रेक के रूप में नजर आगल्स रोड मैनेजर के रूप में बडल आलमोस्ट फेमस मूवी के फैक्टो रिव्यू ऑलमोस्ट फेमस दो की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैमरून को द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें जिसमें बिली कुडुप एंड फ्रांसिस मैकडोर मेड्स कैट हर्डसन पैट्रिक फूगिट्स और फिलिप सेमुल होपमैन ने अभिनय किया है यह एक किशोर पत्रकार की कहानी है जिसका किरदार फुट ने निभाया था जो सन 1970 के दशक की शुरुआत में रोलिंग स्टोन पत्रिका के लिए लिख रहा था काल्पनिक रॉक बैंड एंड सिल्वर के साथ दौरा कर रहा था जब और बैंड पर अपनी पहली कवर स्टोरी लिख रहा था यह फिल्म अर्ध आत्मकथात्मक क्योंकि यह क्रो स्वयं रोलिंग स्टोल के लिए एक किशोर लेखक थे फिल्म का निर्देशक कैमरून क्रो है लेखक है कैमरून क्रो उत्पादित है कैमरून क्रो और इयान ब्राइस अभिनेत्री है पैट्रिक फोगेट और बिली कुडुप है फ्रांसिस है है कैट हेडसन जेसन ली है अन्ना पक्विन है फेरोजा बालक है नुह टेलर है और फिलिप सेम होपमैन है छायांकन है जॉन टोल का संपादित किया जो हसिंग ने और सार्कलेन ने संगीत दिया नैनसी विल्सन ने इस उत्पादन कंपनी कोलम्बिया पिक्चर्स और ड्रीम वर्कर्स पिक्चर और विनाइल्स पिक्चर द्वारा वितरित किया ट्रीमसर डिस्ट्रीब्यूशन एल सी सी संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन दिस्टी, इंटरनेशनल द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख आठ सितंबर सन दो हजार को टी आई एफ एफ में और बाईस दिसंबर दो हजार को संयुक्त राज्य अमेरिका में यह फिल्म रिलीज हुई कार्यक्रम का समय एक सौ बाइट में संयुक्त अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म ने सिनेमा घरों में खराब प्रदर्शन किया और साठ मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में मिलियन की कमाई की और मिली और सरसे मूल पटक की जीत सहित चार अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त के इसे मोशन पिक्चर टेलीविजन या अन्य विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ संकलन साउंड ट्रैक एल्बम के लिए दो के ग्रेमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया रोजर एडबर्ट ने इसे साल की सबसे फिल्म के साथ साथ सन दो के दशक की नौवीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताया गया था इसने सबसे मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी सबसे अभिनेत्री मोशन पिक्चर दो के लिए दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीते तब से यह एक पथंग क्लासिक बन गई और बीबीसी द्वारा आयोजित तो 2016 के अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ऑलमोस्ट फेमस हो को सन 2000 के बाद सेवेंटी नाइनवीं सबसे बड़ी फिल्म का दर्जा दिया गया और हॉलीवुड रिपोर्टर सन 2014 की सूची के स्टूडियो प्रमुखों ऑस्कर ओस्कर विजेता द्वारा मतदान किया गया और टीवी रॉयल्टी एलमेट्स फेमस और सर्वकालीन इकहत्तरवीं महानतम फिल्म का दर्जा दिया गया और फिल्म का नामक मंचीय संगीत रूपांतरण नवम्बर दो को ब्रॉडवे पर शुरू हुआ कथन सन उन्नीस सौ उनहत्तर में सैन डी में प्रतिभावक बालक विलियम मिलर फिट होने के लिए संघर्ष करता है जिसका जीवन यह जानने के बाद भी जटिल हो जाता है कि उसकी विधवा कॉलेज प्रोफेसर माँ एलेन ने उसे झूठ विश्वास दिलाया था और वह 12 साल का विलियम वास्तव में 11 साल का था उसने 5 साल की उम्र में पहली कक्षा शुरू की थी और पांचवी कक्षा छोड़ दी थी मजबूत इरादे वाली एलेन के रोक संगीत पर सख्त प्रतिबंध और टॉप और पॉप संस्कृति से डर का उसके बच्चे पर स्थायी प्रभाव पड़ा आखिरकार विलियम्स की वर्षीय बहन अनीता को सैन फ्रांसिको जोन के फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए मजबूर होना पड़ा सन उन्नीस में विलियम्स जो अब पंद्रह वर्ष का था अनीता के गुप्त रोग एल्बमों में प्रभावित होकर एक रोक पत्रकार बनने की इच्छा रखता था और सैन डिएगो में भूमिगत पत्रों के लिए स्वतंत्र लेखा लिखता था रोक पत्रकार लेस्टर बेगस विलियम्स के लेखन से प्रभावित होकर उन्हें ब्लैक सब बात कॉन्सर्ट्स की समीक्षा करने के लिए पैंतालीस थर्टी फाइव डॉलर का अनसाइट देते थे शुरुआती बैंड वाटर के आने से विलियम को मंच के पीछे जाने की रोक दिया गया और विलियम आसानी से अंदर आ जाता था और तो मुख्य गिटार वादक से रसेल हेमंड उसे और एक उसके लिए नए परिचित अनुभवी ग्रुपी पेन लेन को पसंद करते थे जिसके उन्हें अपने अधीन कर दिया गया रूढ़ीवादी समूह के रूप में व्यवहार करने के लिए बावजूद पेनी लेन इस बात पर जोर कि वह और उसके दोस्त बैंड एडस के हैं और एक शब्द जिसका आविष्कार उन्होंने महिला प्रशंसा का वर्णन करने के लिए किया था जो रोग सितारों की तुलना में संगीत के लिए अधिक है ब्लैक सब बात पर हिमलन के लेख कुल देखने पर रोलिंग स्टोन को संपादक बैन फोग टोरे से सिल्वर स्टार के बारे में एक लेखन लिखने के लिए विलियम्स को काम पर रखा गया और उसे बैंड बैंड के साथ सड़क पर भेजा गया विलियम्स बैंड सदस्यों को साक्षारात्मक लेता है लेकिन रसेल बार बार उसे टाल देता है और रसेल और मुख्य गायक जेफ बेबे के बीच तनाव जल्द ही स्पष्ट हो गया बैंड की पहली टी शर्ट की रिलीज से भी अधिक खटास आ गई जिसमें रसेल के साथ एक पूर्ण बैंड शोट दिखाया गया जबकि बॉबी बाकी बैंड छाया में है और विलियम्स को है लेकिन जैसे जैसे में अपनी निष्पक्षता लगता, लगता, रिकॉर्ड लेवल स्थानों को प्रोमोटरों के साथ साथ समस्याओं को संभालने के लिए एक पेशेवर प्रबंधक डेनिस को नियुक्त करता है और पैनी को बैंड के न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले छोड़ना होगा जहां रसेल की परिमिका लेसली उनके साथ शामिल होकर और उसके तीन बैंड को, को, पो, को पोकर गेम में दूसरे बैंड के साथ जुआ खेला जाता है पेनी लापरवाही से काम करती है लेकिन तबाह हो जाती है इस बीच डेनिस ने एक छोटा विमान किराए पर लिया ताकि बैंड अधिक कार्यक्रम बजा सके पैनी बिना बुलाए न्यूयॉर्क रेस्तरा में पहुंच जाती है जहां वे इस खबर का जश्न मना रहे हैं कि उन्हें रोलिंग स्टोन के कवर पर दिखाया जाएगा रसेल का स्थान ध्यान आकर्षित करने की उनकी कोशिश का पता चलने के बाद पैनी को जाने के लिए कहा गया विलियम उसका पीछा करते हुए उसके होटल तक जाता है जहां वह उसे क्वाइलुट्स का अधिक अधिक मात्रा में सेवन करने से बचाता अगले दिन यह कार्यक्रम के लिए उड़ान भरने पर विमान को गंभीर मौसम का सामना करना पड़ता विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर डर से कई लोग हर कोई अपने रहस्य में कबूल कर लेता है जबकि जेफ और रसील के बीच लंबे समय से चल रहे यह संघर्ष भड़क गया और जेफ द्वारा पोनी का अपमान करने के बाद विलियम ने पेनी को प्रति अपने प्यार का इजहार किया और विमान टूपले टूपेलो को सुरक्षित रूप से उतारा गया जिससे हर कोई बदले हुए माहौल का विचार करने लगा और विलियम सैन फ्रांसिसको में रोलिंग स्टोन कार्यालय पहुंचता है लेकिन उसे लेख पूरा करने में कठिनाई होती है मदद मांगते हुए वेलेस्टर बेगस को फोन करता है जो कहता है कि विलियम बैंड का हिस्सा बनने में पसंद फंस गया है उनका कहना है कि उनके साथ उनकी कथित दोस्ती वास्तविक नहीं थी और उन वह ईमानदार और निर्दय बनने की सलाह देते थे रोलिंग स्टोन को संपादकों ने विलियम को पूर्ण लेख की प्रशंसा की लेकिन जब पत्रिका के तहत करते ने बैंड को फोन किया तो रसेल ने स्टल वाटर की छवि की रक्षा करने के लिए झूठ बोला और दावा किया कि इसमें से अधिकांश झूठ और रोलिंग स्टोल ने विलियम्स को कुछ चलते हुए लेख को खत्म कर दिया और दवाई हवाई अड्डे पर अनीता का सामना में उन विलियम्स से होता है और उसे उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है सफायर बेड एड्स के विशेषज्ञों में से एक विलियम को धोखा देने के लिए के लिए रसेल को डीट करता है फिर वह पोनी का फोन करता है उससे मिलना चाहता है लेकिन वह उसे अपने पते के बजाय विलियम का पता देकर उसे धोखा देती है वह आता है और खुद को विलियम की माँ से, अप मा, से मा आमने सामने पाता है जिन्होंने दौर दोर के दौरान फोन पर उनके साथ व्यवहार के लिए उसे डाटा था विलियम की माफी मांगता है और अंत में उसे एक साक्षात्कार के रूप में देखता है रसेल ने लेख को रोलिंग स्टॉल से सत्यापित किया और जो इसे एक कवर फीचर के रूप में चलाता है पोनी पैनी को जाने की अपनी लंबे समय से चल रही कल्पना को पूरा करती है जबकि इससे इस वॉटर फिर से बस में यात्रा करता है डालना में देखा गया है कि विलियम्स मिलर के रूप में पैट्रिक फूड गिटने के दाने बनाया और युवा विलियम्स के रूप में माइकल ओंगा रानो ने के दानी सेल हेमट के रूप में बिली कोडोप नजर आए और एलन मिलर के रूप में फ्रांसिस मैगडोर में नजर आए और पैनी लेड के रूप में कैट हार्डसन अन्ना पैक्विन नजर आए और नीलमणि के रूप में, में, में फेरूजा बाल्क ने किरदाने एस्टेला स्टार के रूप में बिजो फिलिप्स ने किरदाने नूह टेलर डिक रोसवेल के रूप में नजर आए और लेस्टर बेगस के रूप में फिलिप सेमोर होफ मैन ने के दानी बैन फोंग टॉरेस के रूप में चेटे चैन ने कि दानी जे बेक विक मनोरज के रूप में जा रहा डेनिस होप के रूप में फोन फोलन ने किया डेविड्स हेल्टन के रूप में रेन विल्सन ने कि और लेरी फेलो के रूप में मार्क कोजे लेखने के लेसली हेमंड के रूप में लिज स्टोबर ने के दाने जेक रेड डोम के रूप में नजर आया और एड वन एट कॉर्ट के रूप में जॉन फेडिविच ने किदाने डेस्ट क्लर्क सोल्डन के, के रूप में एरिक स्टोन स्ट्रिक ने किदानी भाया नाराज प्रोमेट के रूप में मार्क हैन ने किदा निभाया और जेन वेनर टैक्सी यात्री के रूप में नजर और पीटर फ्रेम्पटन रेक के रूप में नजर आया और ईगल्स रोड मैनेजर के रूप में मिच है किदार निभाया आलमोस्ट फेमस मूवी के फैक्टो रिव्यू ऑलमोस्ट फेमस दो की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैमरून को द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करें जिसमें बिली कुडुब्स एंड फ्रांसिस मेड्स कैट हडसन पैट्रिक फुगिट्स और फिलिप सेमुल होपमैन ने अभिनय किया है यह एक किशोर पत्रकार की कहानी है जिसका किरदार फुगिट ने निभाया था जो सन उन्नीस के दशक की शुरुआत में रोलिंग स्टोन पत्रिका के लिए लिख रहा था काल्पनिक रॉक बैंड एंड सिल्वर के साथ दौरा कर रहा था जब और बैंड पर अपनी पहली कवर स्टोरी लिख रहा था यह फिल्म अर्ध आत्मकथात्मक क्योंकि यह क्रो स्वयं रोलिंग स्टॉल के लिए एक किशोर लेखक थे फिल्म का निर्देशक कैमरून क्रो है लेखक है कैमरून क्रो उत्पादित है कैमरून क्रो और इयान ब्राइस अभिनीति है पैट्रिक फोगेट और बिली कुडोप है फ्रांसिस मैको डोरमेंड है कैट हेडसन है, है जेसन ली है अन्ना पकविन है फेरोजा बाल्क है नुह टेलर है और फिलिप सेमूर होपमेन छायांकन है जॉन टोल का संपादित किया जो हसिंग हस ने और सारेन ने संगीत दिया नैनसी विल्सन ने उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स और ड्रीम वर्कर्स पिक्चर और विनाइल्स पिक्चर द्वारा वितरित किया ड्रीम वर्कर्स डिस्ट्रीब्यूशन एलसी संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख आठ सितंबर सन दो को टी में और बाईस दिसंबर दो को संयुक्त राज्य अमेरिका में यह फिल्म रिलीज हुई कार्यक्रम का समय एक सौ बाईट में देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म ने सिनेमाघरों में खराब प्रदर्शन किया और 60 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 47.4 मिलियन की कमाई की और वित्तीय कमी के बावजूद इसको आलोचकों से व्यापक सफलता मिली और सरसेठ मूल पटक की जीत था हाँ सहित चार अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त के इसे मोशन पिक्चर टेलीविजन या अन्य विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ संकलन साउंड ट्रैक एल्बम के लिए 2001 के ग्रेमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया रोजर एडबर्ट ने इसे साल की सर्वश्रेट फिल्म के साथ साथ सन दो के दशक की नौवीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताया गया था इसने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री मोशन पिक्चर दो के लिए दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीते तब से यह एक प्रथम क्लासिक बन गई और बीबीसी द्वारा आयोजित 2016 के अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ऑलमोस्ट फेमस हो को सोन दो के बाद सेवेंटी नाइनवीं सबसे बड़ी फिल्म का दर्जा दिया गया और हॉलीवुड रिपोर्टर सन 2014 की सूची के स्टूडियो प्रमुखों ऑस्कर ओस्कर विजेता के द्वारा मतदान किया गया और टीवी रॉयल्टी एलमेट्स फेमस और सर्वकालीन इकहत्तरवीं महानतम फिल्म का दर्जा दिया गया और फिल्म का नामक मंचीय संगीत रूपांतरण नवंबर दो को ब्रॉडवे पर शुरू हुआ कथनाक सन उन्नीस सौ उनहत्तर में सैन डी एक में प्रतिभावक बालक विलियम मिलर फिट होने के लिए संघर्ष करता है जिसका जीवन यह जानने के बाद भी जटिल हो जाता है कि उसकी विधवा कॉलेज प्रोफेसर माँ एलिन ने उसे झूठ विश्वास दिलाया था और वह 12 साल का विलियम वास्तव में 11 साल का था उसने 5 साल की उम्र में पहली कक्षा शुरू की थी और पांचवी कक्षा छोड़ दी थी मजबूत इरादे वाली एलेन के रोक संगीत पर सख्त प्रतिबंध और टॉप और पॉप संस्कृति से डर का उसके बच्चे पर स्थायी प्रभाव पड़ा आखिरकार विलियम्स की अठारह वर्षीय बहन अनीता को सैन फ्रांसिको फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए मजबूर होना पड़ा सन उन्नीस पंद्रह वर्ष का था अनीता के गुप्त रोग एल्बमों में प्रभावित होकर एक रोक पत्रकार बनने की इच्छा रखता था और सैन डियोगो में भूमिगत पत्रों के लिए स्वतंत्र लेखा लिखता था रोक पत्रकार लेस्टर बेगस विलियम्स के लेखन से प्रभावित होकर उन्हें ब्लैक सब बात कॉन्सर्ट्स की समीक्षा करने के लिए पैंतालीस थर्टी फाइव डॉलर का अनसाइड देते थे शुरुआती बैंड सिल्विस्टोवाटर सिल्विस्ट के आने से विलियम को मंच के पीछे जाने की रोक दिया गया और विलियम आसानी से अंदर आ जाता था तो और मुख्य गिटार वादक से रसेल हेमंड उसे एवर एक उसके लिए नए परिचित अनुभवी ग्रुपी पेन लेन को पसंद करते थे जिसके उन्हें अपने अधीन कर दिया गया रूढ़िवादी समूह के रूप में व्यवहार करने के लिए बावजूद पेनी लेन इस बात पर जोर देते दे थे दे कि वह और उसके दोस्त बैंड एडस के हैं और एक शब्द जिसका आविष्कार उन्होंने महिला प्रशंसा का वर्णन करने के लिए किया था जो रोग सितारों की तुलना में संगीत के लिए अधिक है ब्लैक सब बात पर हिमिलन के लेख कुल देखने पर रोलिंग स्टोन को संपादक बेन फोग टोरेस से सिल्वर स्टार के बारे में एक लेखन लिखने के लिए विलियम्स को काम पर रखा गया और उसे बैंड के साथ सड़क पर भेजा गया विलियम्स अन्य बैंड सदस्यों को साक्षारात्मक लेता है लेकिन रसेल बार बार उसे टाल देता है और रसेल और मुख्य गायक जेफ बेबे के बीच तनाव जल्द ही स्पष्ट हो गया बैंड की पहली टी शर्ट की रिलीज से भी अधिक खटास आ गई जिसमें रसेल के साथ एक पूर्ण बैंड शोट दिखाया गया जबकि बॉबी बाकी बैंड छाया में है और विलियम्स को बैंड मजाक में, मजाक में एका एक होता है तो वह धीरे धीरे अपनी निष्पक्षता लगता, लगता, रिकॉर्ड लेवल स्थानों को प्रोमोटरों के साथ साथ समस्याओं को संभालने के लिए एक पेशेवर प्रबंधक डेनिस को नियुक्त करता है और पैनी को बैंड के न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले छोड़ना होगा जहां रसेल की परिमिका लेसली उनके साथ शामिल होकर और उसके तीन बैंड को -को, पो को पोकर गेम में दूसरे बैंड के साथ जुआ खेला जाता है पेनी लापरवाही से काम करती है लेकिन तबाह हो जाती है इस बीच डेनिस ने एक छोटा विमान किराए पर लिया ताकि बैंड अधिक कार्यक्रम बजा सके पैनी बिना बुलाए न्यूयॉर्क रेस्तरा में पहुंच जाती है जहां वे इस खबर का जश्न मना रहे हैं कि उन्हें रोलिंग स्टोन के कवर पर दिखाया जाएगा रसेल का स्थान ध्यान आकर्षित करने की उनकी कोशिश का पता चलने के बाद पैनी को जाने के लिए कहा गया विलियम उसका पीछा करते हुए उसके होटल तक जाता है जहां वह उसे क्वाइलुट्स का अधिक अधिक मात्रा में सेवन करने से बचाता अगले दिन यह कार्यक्रम के लिए उड़ान भरने पर विमान को गंभीर मौसम का सामना करना पड़ता विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर डर से कई लोग हर कोई अपने रहस्य में कबूल कर लेता है जबकि जेफ और रसील के बीच लंबे समय से चल रहे हैं संघर्ष भड़क गया और जेफ द्वारा पोनी का अपमान करने के बाद विलियम ने प्रे, पेनी को प्रति अपने प्यार का इजहार किया और विमान टूपेलो टूपे को सुरक्षित रूप से उतारा गया जिससे हर कोई बदले हुए माहौल का विचार करने लगा और विलियम सैन फ्रांसिसको में रोलिंग स्टोन कार्यालय पहुंचता है लेकिन उसे लेख पूरा करने में कठिनाई होती है मदद मांगते हुए वेलेस्टर बेगस को फोन करता है जो कहता है कि विलियम बैंड का हिस्सा बनने में पसंद फंस गया है उनका कहना है कि उनके साथ उनकी कथित दोस्ती वास्तविक नहीं थी और वह ईमानदार और निर्दय बनने की सलाह देते थे रोलिंग स्टोन को संपादकों ने विलियम को पूर्ण लेख की प्रशंसा की लेकिन जब पत्रिका के तहत जांचकर्ता ने बैंड को फोन किया तो रसेल ने स्टल वाटर की छवि की रक्षा करने के लिए झूठ बोला और दावा किया कि इसमें से अधिकांश झूठ और रोलिंग स्टोन ने विलियम्स को कुछ चलते हुए लेख को खत्म कर दिया और दवाई हवाई अड्डे पर अनिता का सामना उदास में विलियम्स से होता है और उसे कभी भी ले जाने की पेशकश करती है उनके लिए सैन डियागो में उनके घर जाने का विकल्प चुना और जहाँ उनकी माँ इलेन इले उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है सफ सफायर बेड्स एड्स के विशेषज्ञों में से एक विलियम को धोखा देने के लिए के लिए रसेल को दंडित करता है फिर वह पोनी का फोन करता है जिस उससे मिलना चाहता है लेकिन वह उसे अपने पास पते के बजाय विलियम का पता देकर उसे धोखा देती है वह आता है और खुद को विलियम की माँ से अप मा, से मा आमने सामने पाता है जिन्होंने दौर से दौर के दौरान फोन पर उनके साथ व्यवहार के लिए उसे डाटा था विलियम की माफ़ी मांगता है और अंत में उसे एक साक्षात्कार के रूप में देखता है रसेल ने लेख को रोलिंग स्टोर से सत्यापित किया और जो इसे एक कवर फीचर के रूप में चलाता है पोनी पैनी को जाने की अपनी लंबे समय से, से चल रही कल्पना को पूरा करती है जबकि इससे इस वॉटर फिर से बस में यात्रा करता है ढालना में देखा गया है कि विलियम्स मिलर के रूप में पैट्रिक फूडिटने के दान निभाया और युवा विलियम्स के रूप में माइकल ओंग ने के दान सेल हेमट के रूप में बिली कोडोट नजर आए और एलन मिलर के रूप में फ्रांसिस मैगडोर में नजर आए और पैनी लेड के रूप में कैट हडसन ने के दान्यबा जेफ बेवे के रूप में जैसन ली ने किसनेल अनीता मिलर के रूप में नजर किया एफरे एफ्रोडिसिया के रूप में अन्ना पैक्विन नजर आए और नीलमणि के रूप में फेरूजा बालक ने किरदार किरदान्यबाद एस्टेला स्टार के रूप में बिजो फिलिप्स ने किरदाने नूहू टेलर डिक रोसवेल के रूप में नजर आए और लेस्टर बेगस के रूप में फिलिप सेमोर हॉफ मैन ने के दाने बैन फॉन्ग टॉरेस के रूप में चेटेरी चैन ने के दाने जे बरूचे विक मनोरज के रूप में नजर आया और डेनिस होप के रूप में जिम्मी फोलन ने के दाने डेविड्स हेल्टन के रूप में रेन विल्सन ने के दाने और लेरी फेलो के रूप में मार्क कोजे लेखने के दाने लेसली हेमंड के रूप में लिज स्टोब ने के दाने बनाया जेक लेजे ड्री रेड डोम के रूप में नजर आए और एड वन कोर्ट के रूप में जॉन ने के दाने डेस्क क्लर्क सोल्डन के रूप में एरिक स्टोन स्ट्रिक ने किदानी बाया नाराज प्रोमेट के रूप में मार्क हेन मेरन ने किदाने और जेन वेनर टैक्सी यात्री के रूप में नजर और पीटर फ्रेम्पटन रेक के रूप में नजर और ईगल्स रोड मैनेजर के रूप में मिच है कि ऑलमोस्ट फेमस मूवी के फैक्टो रिव्यू ऑलमोस्ट फेमस 2000 की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैमरून को द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करें जिसमें बिली कोडुब्स एंड फ्रांसिस मेड्स कैट हर्डसन पैट्रिक फुगिट्स और फिलिप सेमुल की कहानी है जिसका किरदार फुगिट ने निभाया था जो सन 1970 के दशक की शुरुआत में रोलिंग स्टोन पत्रिका के लिए लिख रहा था काल्पनिक रॉक बैंड एंड सिल्वर के साथ दौरा कर रहा था जब और बैंड पर अपनी पहली कवर स्टोरी लिख रहा था यह फिल्म अर्ध आत्मकथानात्मक क्योंकि यह क्रो स्वयं रोलिंग स्टॉल के लिए एक किशोर लेखक थे फिल्म का निर्देशक कैमरून क्रो है लेखक है कैमरून क्रो उत्पादित है कैमरून क्रो और इयान ब्राइस अभिनेती है पैट्रिक फोगेट और बिली कुडुप है फ्रांसिस मैकडोर डोरमेंड है, है कैट हेडसन है जेसन ली है अन्ना पकविन है फेरूजा बाल्क है नूह टेलर है और फिलिप सेमूर हॉपमैन है छायांकन है जॉन टोल का संपादित किया जो हसिंग हस ने और सार्लेन ने संगीत दिए नैन्सी विल्सन ने उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स और ड्रीम वर्कर्स पिक्चर और विनाइल्स पिक्चर द्वारा वितरित किया ड्रीम वर्कसर डिस्ट्रीब्यूटन एल संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलम्बिया कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टि, इंटरनेशनल द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख आठ सितंबर सन दो को टी आई एफ एफ में और बाईस दिसंबर दो हजार को संयुक्त राज्य अमेरिका में यह फिल्म रिलीज हुई

अवार्ड से भी सम्मानित किया गया रोजर एडबर्ट्स ने इस साल की सबसे फिल्म सन दो के दशक की नौवीं सबसे बताया गया था इसने सबसे म्यूजिकल या कॉमेडी सबसे अभिनेत्री मोशन पिक्चर दो के लिए दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीते तब से यह एक पथंग क्लासिक बन गई और बीबीसी द्वारा आयोजित तो 2016 के अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ऑलमोस्ट फेमस हो को सन 2000 के बाद सबसे बड़ी फिल्म का दर्जा दिया गया और हॉलीवुड रिपोर्टर सन 2014 की सूची के स्टूडियो प्रमुखों ऑस्कर ओस्कर के द्वारा मतदान किया गया और टीवी रॉयल्टी एलमेट्स फेमस और सर्वकालीन इकहत्तरवीं महानतम फिल्म का दर्जा दिया गया और फिल्म का नामक मंचीय संगीत रूपांतरण नवंबर दो को ब्रॉडवे पर शुरू हुआ कथनक सन उन्नीस में सैन डी में प्रतिभावक बालक विलियम मिलर फिट होने के लिए संघर्ष करता है जिसका जीवन यह जानने के बाद भी जटिल हो जाता है कि उसकी विधवा कॉलेज प्रोफेसर माँ एलिन ने उसे झूठ विश्वास दिलाया था और वह 12 साल का विलियम वास्तव में 11 साल का था उसने 5 साल की उम्र में पहली कक्षा शुरू की थी और पांचवी कक्षा छोड़ दी थी मजबूत इरादे वाली एलेन के रोक संगीत पर सख्त प्रतिबंध और टॉप और पॉप संस्कृति से डर का उसके बच्चे पर स्थायी प्रभाव पड़ा आखिरकार विलियम्स की अठारह वर्षीय बहन अनिता को सैन फ्रांसिको जोन के फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए मजबूर होना पड़ा सन उन्नीस सौ तिहत्तर में पंद्रह वर्ष का था अनीता के गुप्त रोग एल्बमों में प्रभावित होकर एक रोक पत्रकार बनने की इच्छा रखता था और सैन डिएगो में भूमिगत पत्रों के लिए स्वतंत्र लेखा लिखता था रोक पत्रकार लेस्टर बेगस विलियम्स के लेखन से प्रभावित होकर उन्हें ब्लैक सब्बात कॉन्सर्ट्स की समीक्षा करने के लिए पैंतालीस थर्टी डॉलर का अनसाइट देते थे शुरुआती बैंड सिल्विस्ट सिल्विस्टोवॉटर के आने से विलियम को मंच के पीछे जाने की रोक दिया गया और विलियम आसानी से अंदर आ जाता था और तो मुख्य गिटार वादक से रसेल हेमंड उसे और एक ए, उसके लिए नए परिचित अनुभवी ग्रुपी पेन लेन को पसंद करते थे जिसके उन्हें अपने अधीन कर दिया गया रूढ़िवादी समूह के रूप में व्यवहार करने के लिए बावजूद पेनी लेन इस बात पर जोर देते थे कि वह और उसके दोस्त बैंड एडर्स के है और एक शब्द जिसका आविष्कार उन्होंने महिला प्रशंसा का वर्णन करने के लिए किया था जो रोग सितारों की तुलना में संगीत के लिए अधिक हैं भले एक सब बात पर हिमिलन के लेख कुल देखने पर रोलिंग स्टोन को संपादक बेन फोग टोरेस से सिल्वर स्टार के बारे में एक लेखन लिखने के लिए विलियम्स को काम पर रखा गया और उसे बैंड के साथ सड़क पर भेजा गया विलियम्स अन्य बैंड सदस्यों को सक्षात्मक लेता है लेकिन रसेल बार बार उसे टाल देता है और रसेल और मुख्य गायक जेफ बेबी के बीच तनाव जल्द ही स्पष्ट हो गया बैंड की पहली टी शर्ट की रिलीज से भी अधिक खटास आ गई जिसमें रसेल के साथ एक पूर्ण बैंड शॉर्ट दिखाया गया जबकि बॉबी बाकी बैंड छाया में है और विलियम्स को बैंड द्वारा मजाक में मजाक में दुश्मन कहा जाता था क्योंकि वह एक पत्रकार है लेकिन जैसे जैसे वे उनके अंदर आंतरिक दायरे में एक होता है तो वह धीरे धीरे अपनी खोने लगता, लगता रिकॉर्ड स्थानों को प्रोमोटरों के साथ साथ समस्याओं को संभालने के लिए एक पेशेवर प्रबंधक डेनिस को नियुक्त करता है और पैनी को बैंड के न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले छोड़ना होगा जहाँ रसेल की परिमिका लेस्ल उनके साथ शामिल होकर और पैनी और उसके तीन भविष्य बैंड सहायकों को, -को पो को पोकर गेम में दूसरे बैंड के साथ जुआ खेला जाता है पेनी लापरवाही से काम करती है लेकिन तबाह हो जाती है इस बीच डेनिस ने एक छोटा विमान किराए पर लिया ताकि बैंड अधिक कार्यक्रम बजा सके पेनी बिना बुलाए न्यूयॉर्क रेस्त्रा में पहुंच जाती है जहां वे इस खबर का जश्न मना रहे हैं कि उन्हें रोलिंग स्टोन के कवर पर दिखाया जाएगा रसील का स्थान ध्यान आकर्षित करने की उनकी कोशिश का पता चलने के बाद पैनी को जाने के लिए कहा गया विलियम उसका पीछा करते हुए उसके होटल तक जाता है जहाँ वह उसे क्वाइलूट्स का अधिक अधिक मात्रा में सेवन करने से बचाता अगले दिन कार्यक्रम के लिए उड़ान भरने पर विमान को गंभीर मौसम का सामना करना पड़ता है विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर डर से कई लोग हर कोई अपने रहस्य में कबूल कर लेता है जबकि जेफ और रसील के बीच लंबे समय से चल रहे यह संघर्ष भड़क गया और जेफ द्वारा पोनी का अपमान करने के बाद विलियम ने पेनी को प्रति अपने प्यार का इजहार किया और विमान टूट रूपेलो को सुरक्षित रूप से उतारा गया जिससे हर कोई बदले हुए माहौल का विचार करने लगा और विलियम सैन के में रोलिंग स्टोन कार्यालय पहुंचता है लेकिन उसे लेख पूरा करने में कठिनाई होती है मदद मांगते हुए वे लेस्टर बेगस को फोन करता है जो कहता है कि विलियम बैंड का हिस्सा बनने में पसंद फंस गया है उनका कहना है कि उनके साथ उनकी कथित दोस्ती वास्तविक नहीं थी और उन वह ईमानदार और निर्दय बनने की सलाह देते थे रोलिंग स्टोन को संपादकों ने विलियम को पूर्ण लेख की प्रशंसा की लेकिन जब पत्रिका के तहत जांचकर्ता ने बैंड को फोन किया तो रसेल ने, ने स्टल वाटर की छवि की रक्षा करने के लिए झूठ बोला और दावा किया कि इसमें से अधिकांश झूठ और रोलिंग स्टोन ने विलियम्स को कुछ चलते हुए लेख को खत्म कर दिया और दवाई हवाई अड्डे पर अनीता का सामना उदास में विलियम्स से होता है और उसे कभी भी ले जाने की पेशकश करती है उनके लिए सैन डियागो में उनके घर जाने का विकल्प चुना और जहां उनकी मां दोनों को देखकर खुश हो जाती है सफ सफायर के लेकिन वह उसे अपने पते के बजाय विलियम का पता देकर उसे धोखा देती है वह आता है और खुद को विलियम की माँ से, अप माँ से माँ आमने सामने पाता है जिन्होंने दौर दोर के दौरान फोन पर उनके साथ व्यवहार के लिए उसे डाटा था विलियम की माफ़ी मांगता है और अंत में उसे एक साक्षात्कार के रूप में देखता है रसेल ने लेख को रोलिंग स्टोर से सत्यापित किया और जो इसे एक कवर फीचर के रूप में चलाता है पोनी पेनी मोर्स को जाने की अपनी लंबे समय से चल रही कल्पना को पूरा करती है जबकि इसे स्टल इस वाटर फिर से बस में यात्रा करता है ढालना में देखा गया है कि

एफ्रोडिसिया के रूप में अन्ना पेक्विन नजर आए और नीलमणि के रूप में फेरूजा बाल्क ने किरदार में, ने में और एस्टेला स्टार के रूप में विजो फिलिप्स ने किरदार नूह टेलर डिक रोसवेल के रूप में नजर आए और लेस्टर बेगस के रूप में फिलिप सेम होफमैन ने किदाने बैन फोंग टॉरेस के रूप में चेटे चेन ने किरदा निभा जे बरूचे विक मनोरज के रूप में नजर आया और डेनिस होप के रूप में जिमी फोन फोलन ने किरदाने बया डेविड्स हेल्टन के रूप में रेन विल्सन ने किदाने और लेरी फेलो के रूप में मार्क कोजे लेकिन के दाने लेसली हेमंड के रूप में लिज स्टोबर ने कि दाने बनाया जेक लेजे ड्री रेड डोम के रूप में नजर आए और एड वन एटकॉर्ट के रूप में जॉन फेडिविच ने किए क्लर्क सोल्डन के रूप में एरिक स्टोन स्ट्रिक ने के दाने बाया नाराज प्रोमेट के रूप में मार्क मेरन ने के दाने और जेन वेनर टैक्सी यात्री के रूप में नजर और पीटर रेक के रूप में और इगल्स रोड के रूप में मिच है में और रोड फेमस मूवी रिव्यू। फेमस 2000 की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैमरून को द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को लाइक करे और सब्सक्राइब करे जिसमें बिली कुडुप एंड फ्रांसिस मैकडोरमेड कैट हडसन पैट्रिक फूगिट्स और फिलिप सेमुल होपमैन ने अभिनय किया है यह एक किशोर पत्रकार की कहानी है जिसका किरदार फुग ने निभाया था जो सन 1970 के दशक की शुरुआत में रोलिंग स्टोन पत्रिका के लिए लिख रहा था काल्पनिक रॉक बैंड एंड सिल्वर के साथ दौरा कर रहा था जब और बैंड पर अपनी पहली कवर स्टोरी लिख रहा था यह फिल्म अर्ध आत्मकथात्मक क्योंकि यह क्रो स्वयं रोलिंग स्टोल के लिए एक किशोर लेखक थे फिल्म का निर्देशक कैमरून क्रो है लेखक है कैमरून क्रो उत्पादित है कैमरून क्रो और इयान ब्राइस अभिनेत्री है पैट्रिक फोगेट और बिली कुट है, है कैट है, है जेसन ली है अन्ना पक्विन है फेरोजा बालक है नुह टेलर है और फिलिप सेम होपमैन है छायांकन है जॉन टोल का संपादित किया जो हसिंग ने और सार्कलेन ने संगीत दिया नैन्सी विल्सन ने इस उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स और ड्रीम वर्कर्स पिक्चर और विनाइल्स पिक्चर द्वारा वितरित किया ट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन एल सी सी संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन दिस्टी इंटरनेशनल द्वारा इंटरनेशनल में एक रिलीज की तारीख आठ सितंबर सन दो हज़ार को टी आई एफ एफ में और बाईस दिसंबर दो हज़ार को संयुक्त राज्य अमेरिका में यह फिल्म रिलीज हुई कार्यक्रम का समय एक सौ संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म ने सिनेमाघरों में खराब प्रदर्शन किया और साठ मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले मूल पटक की जीत सहित चार अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त के इसे मोशन पिक्चर टेलीविजन या अन्य विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ संकलन साउंड ट्रैक एल्बम के लिए दो के ग्रेमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया रोजर एडबर्ट ने इसे साल की सर्वश्रेष्ठ सबसे सन दो हजार के दशक की नौवीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताया गया था इसने सबसे मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी सहायक अभिनेत्री मोशन पिक्चर दो के लिए दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीते तब से यह एक प्रथम क्लासिक बन गई और बीबीसी द्वारा आयोजित तो 2016 के अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ऑलमोस्ट फेमस हो को सन 2000 के बाद सेवेंटी नाइनवीं सबसे बड़ी फिल्म का दर्जा दिया गया और हॉलीवुड रिपोर्टर सन 2014 की सूची के स्टूडियो प्रमुखों ऑस्कर ओस्कर विजेता के द्वारा मतदान किया गया और टीवी रॉयल्टी एलमेट्स फेमस और सर्वकालीन इकहत्तरवीं महानतम फिल्म का दर्जा दिया गया और फिल्म का नामक मंचीय संगीत रूपांतरण नवम्बर दो को ब्रॉडवे पर शुरू हुआ कथनाक सन उन्नीस में सैन डी में प्रतिभावक बालक विलियम मिलर फिट होने के लिए संघर्ष करता है जिसका जीवन यह जानने के बाद भी जटिल हो जाता है कि उसकी विधवा कॉलेज प्रोफेसर माँ एलिन ने उसे झूठ विश्वास दिलाया था और वह 12 साल का विलियम वास्तव में 11 साल का था उसने 5 साल की उम्र में पहली कक्षा शुरू की थी और पांचवी कक्षा छोड़ दी थी मजबूत इरादे वाली एलेन के रोक संगीत पर सख्त प्रतिबंध और टॉप और पॉप संस्कृति से डर का उसके बच्चे पर स्थायी प्रभाव पड़ा आखिरकार विलियम्स की अठारह वर्षीय बहन अनिता को सैन फ्रांसिको जोन के फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए मजबूर होना पड़ा सन उन्नीस सौ तिहत्तर में पंद्रह वर्ष का था अनीता के गुप्त रोग एल्बमों में प्रभावित होकर एक रोक पत्रकार बनने की इच्छा रखता था और सैन डिएगो में भूमिगत पत्रों के लिए स्वतंत्र लेखा लिखता था रोक पत्रकार लेस्टर बेगस विलियम्स के लेखन से प्रभावित होकर उन्हें ब्लैक सब्बात कॉन्सर्ट्स की समीक्षा करने के लिए पैंतालीस थर्टी फाइव डॉलर का साइड देते थे शुरुआती बैंड बैंडर के आने से विलियम को मंच के पीछे जाने की रोक दिया गया और विलियम आसानी से अंदर आ जाता था और मुख्य गिटार वादक से रसेल हेमंड उसे और एक उसके लिए नए परिचित अनुभवी ग्रुपी पेन लेन को पसंद करते थे जिसके उन्हें अपने अधीन कर दिया गया रूढ़ीवादी समूह के रूप में व्यवहार करने के लिए बावजूद पेनी। लेन इस बात पर जोर देते थे कि वह और उसके दोस्त बैंड एडस्क है और एक शब्द जिसका आविष्कार उन्होंने महिला प्रशंसा का वर्णन करने के लिए किया था जो रोग सितारों की तुलना में संगीत के लिए अधिक है सब बात पर हिमालन के लेख कुल देखने पर रोलिंग स्टोन को संपादक बेन फोग टोरेस से सिल्वर स्टार के बारे में एक लेखन लिखने के लिए विलियम्स को काम पर रखा गया और उसे बैंड के साथ सड़क पर भेजा गया विलियम्स अन्य बैंड सदस्यों को लेता है लेकिन रसेल रसेल बार बार उसे टाल देता है और रसेल और मुख्य गायक जेफ के बीच तनाव जल्द ही स्पष्ट हो गया बैंड की पहली टी शर्ट की रिलीज से भी अधिक खटास आ गई जिसमें इस रसेल के साथ एक पूर्ण बैंड शोट दिखाया गया जबकि बाकी बैंड छाया में है और विलियम्स को बैंड द्वारा मजाक में मजाक में दुश्मन कहा जाता था क्योंकि वह एक पत्रकार है लेकिन जैसे जैसे वे उनके आंतरिक डायरेक्ट में एकात्रित होता है तो वह धीरे धीरे अपनी निष्पक्षता खोलने लगता खोने लगता रिकॉर्ड लेवल स्थानों को और प्रोमोटरों के साथ साथ समस्याओं को संभालने के लिए एक पेशेवर प्रबंधक डेनिस को नियुक्त करता है और पैनी को बैंड के न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले छोड़ना होगा जहां रसेल की परिमिका लेसली उनके साथ शामिल होकर पैनी और उसके तीन भविष्य बैंड सहायकों को, -को को पोकर गेम में दूसरे बैंड के साथ जुआ खेला जाता है पेनी लापरवाही से काम करती है लेकिन तबाह हो जाती है इस बीच डेनिस ने एक छोटा विमान किराए पर लिया ताकि बैंड अधिक कार्यक्रम बजा सके पेनी बिना बुलाए न्यूयॉर्क रेस्तरा में पहुंच जाती है जहां वे इस खबर का जश्न मना रहे हैं कि उन्हें रोलिंग स्टोन के कवर पर दिखाया जाएगा रसील का स्थान ध्यान आकर्षित करने की उनकी कोशिश का पता चलने के बाद पैनी को जाने के लिए कहा गया विलियम उसका पीछा करते हुए उसके होटल तक जाता है जहाँ वह उसे क्वाइलूट्स का अधिक अधिक मात्रा में सेवन करने से बचाता अगले दिन यह कार्यक्रम के लिए उड़ान भरने पर विमान को गंभीर मौसम का सामना करना पड़ता है विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर डर से कई लोग हर कोई अपने रहस्य में कबूल कर लेता है जबकि जेफ और रसील के बीच लंबे समय से चल रहे यह संघर्ष भड़क गया और जेफ द्वारा पोनी का अपमान करने के बाद विलियम ने पेनी को प्रति अपने प्यार का इजहार किया और विमान टूट ले टूपेलो को सुरक्षित रूप से उतारा गया जिससे हर कोई बदले हुए माहौल का विचार करने लगा और विलियम सैन फ्रांसिसको में रोलिंग स्टोन कार्यालय पहुंचता है लेकिन उसे लेख पूरा करने में कठिनाई होती है मदद मांगते हुए वेलेस्टर बेगस को फोन करता है जो कहता है कि विलियम बैंड का हिस्सा बनने में पसंद फंस गया है उनका कहना है कि उनके साथ उनकी कथित दोस्ती वास्तविक नहीं थी और उन वह ईमानदार और निदय बनने की सलाह देते थे रोलिंग स्टोन को संपादकों ने विलियम को पूर्ण लेख की प्रशंसा की लेकिन जब पत्रिका के तहत जांच करते ने बैंड को फोन किया तो रसेल ने ने स्टल वाटर की की छवि रक्षा करने के लिए झूठ बोला और और दावा किया कि इसमें से और रोलिंग स्टोन ने विलियम्स को कुछ चलते हुए लेक को खत्म कर दिया और दवाई हवाई अड्डे पर अनीता का सामना उदास में विलियम्स से होता है और उसे कभी भी ले जाने की पेशकश करती है उनके लिए सैन डियागो में उनके घर जाने का विकल्प चुना और जहां उनकी इलेन उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है सफ सफायर एड्स के 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 विशेषज्ञों में से एक विलियम को को धोखा देने के लिए के लिए रसेल को करता है फिर वह पोनी का फोन करता है जिस उससे मिलना चाहता है लेकिन वह उसे अपने पते के बजाय विलियम का पता देकर उसे धोखा देती है वह आता है और खुद को विलियम की माँ से, अप मां से मां आमने सामने पाता है जिन्होंने से दौर के दौरान फोन पर उनके साथ व्यवहार के लिए उसे डाटा था विलियम की माफ़ी मांगता है और अंत में उसे एक साक्षात्कार के रूप में देखता है रसेल ने लेख को रोलिंग स्टोर से सत्यापित किया और जो इसे एक कवर फीचर के रूप में चलाता है पोनी पेनी मोर्स को जाने की अपनी लंबे समय से चल रही कल्पना को पूरा करती है जबकि इसे स्टल इस वाटर फिर से बस में यात्रा करता है ढालना में देखा गया है कि विलियम्स मिलर के रूप में पैट्रिक फूड गिटने के दाने बनाए और युवा विलियम्स के रूप में माइकल ओंगा रानो ने के दाने बनाया रसेल हेमंड के रूप में बिली कुरडुप नजर आए और एलन मिलर के रूप में फ्रांसिस में नजर आए और पैनी लेड के रूप में कैट हडसन ने के दाने बाद जेफ बेवे के रूप में जैसन ली के दाने जुई जुई डेसनेल अनिता मिलर के रूप में नजर आए किया एफ्रोडिसिया के रूप में अन्ना पैकवी नजर आए और नीलमणि के रूप में फेरोजा बाल्क ने एस्टेला स्टार के रूप में बिजो फिलिप्स ने किरदाने नूहू टेलर डिक रोसवेल के रूप में नजर आए और लेस्टर बेगस के रूप में फिलिप सेमोर होफ मैन ने किरदाने बैन फोंग टोरेस के रूप में चेटे चेन ने किदानी बनाया जे बरूचे विक मनोरज के रूप में नजर आया और डेनिस होप के रूप में जिमी फोन फोलन ने किरदा निभाया डेविड हेल्टन के रूप में रेन विल्सन ने के दाने बनाया और लेरी फेलो के रूप में मार्क कोले कोजेक के दाने लेसली हेमंड के रूप में लिज स्टोबर के दाने बनाया जेक लेजे ड्री रेड डोम के रूप में नजर आए और एड वानेटकॉर्ट के रूप में जॉन ने के दाने डेस्क क्लर्क सोल्डन के रूप में एरिक स्टोन स्ट्रिक ने किया नाराज प्रोमेट के रूप में मार्क हेन मेरन ने के दाने और जेन वेनर टैक्सी यात्री के रूप में नजर आए पीटर नजर ईगल्स रोड मैनेजर के रूप में आलमोस्ट फेमस मूवी के फैक्टो रिव्यू आलमोस्ट फेमस 2000 की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैमरून को द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें जिसमें बिली कुडुब्स एंड फ्रांसिस मैकडोर मेड्स कैट हडसन पैट्रिक फूगिट्स और फिलिप सेमुल होपमैन ने अभिनय किया है यह एक किशोर पत्रकार की कहानी है जिसका किरदार फुट ने निभाया था जो सन 1970 के दशक की शुरुआत में रोलिंग स्टोन पत्रिका के लिए लिख रहा था काल्पनिक रॉक बैंड एंड सिल्वर के साथ दौरा कर रहा था जब और बैंड पर अपनी पहली कवर स्टोरी लिख रहा था यह फिल्म अर्ध आत्मकथानात्मक क्योंकि यह क्रो स्वयं रोलिंग स्टोल के लिए एक किशोर लेखक थे फिल्म का निर्देशक कैमरून क्रो है लेखक है कैमरून क्रो उत्पादित है कैमरून क्रो और इयान ब्राइस अभिनेत्री है पैट्रिक फोगेट और बिली कुडुप है फ्रांसिस है, है है कैट हेडसन जेसन ली है अन्ना पक्विन है फेरोजा बालक है नूह टेलर है और फिलिप सेमुअर होपमैन है छायाकन है जॉन टोल का संपादित किया जो हसिंग ने और सार्कलेन ने संगीत दिया नैन्सी विल्सन ने उत्पादन कंपनी कोलम्बिया पिक्चर्स और ड्रीम वर्कर्स पिक्चर और विनाइल पिक्चर द्वारा वितरित किया ड्रीम सर डिस्ट्रीब्यूशन एल सी सी संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख आठ सितंबर सन दो हजार को टी आई एफ एफ में और बाईस दिसंबर दो हजार को संयुक्त राज्य अमेरिका में यह फिल्म रिलीज हुई कार्यक्रम का समय एक सौ बाईट संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म ने सिनेमा घरों में खराब प्रदर्शन किया और 60 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले के, के बावजूद इसको से व्यापक मिली और सरसेट मूल पटक की जीत सहित चार अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त के इसे मोशन पिक्चर टेलीविजन या अन्य विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ संकलन साउंड ट्रैक एल्बम के लिए दो के ग्रेमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया रोजर एडबर्ट्स ने इसे साल की सबसे फिल्म के साथ साथ सन दो के दशक की नौवीं सबसे फिल्म बताया गया था इसने सबसे मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी सबसे अभिनेत्री मोशन पिक्चर दो के लिए दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीते तब से यह एक पथंग क्लासिक बन गई और बीबीसी द्वारा आयोजित तो 2016 के अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ऑलमोस्ट फेमस हो को सन दो के बाद सेवेंटी नाइनवीं सबसे बड़ी फिल्म का दर्जा दिया गया और हॉलीवुड रिपोर्टर सन दो की सूची के स्टूडियो प्रमुखों ऑस्कर ओस्कर विजेता द्वारा मतदान किया गया और टीवी रॉयल्टी एलमेट्स फेमस और सर्वकालीन इकहत्तरवीं महानतम फिल्म का दर्जा दिया गया और फिल्म का नामक मंचीय संगीत रूपांतरण नवंबर दो को ब्रॉडवे पर शुरू हुआ कथनाक सन उन्नीस में सैन डी में प्रतिभावक बालक विलियम मिलर फिट होने के लिए संघर्ष करता है जिसका जीवन यह जानने के बाद भी जटिल हो जाता है कि उसकी विधवा कॉलेज प्रोफेसर मां एलन ने उसे झूठ विश्वास दिलाया था और वह 12 साल का विलियम वास्तव में 11 साल का था उसने 5 साल की उम्र में पहली कक्षा शुरू की थी और पांचवी कक्षा छोड़ दी थी मजबूत इरादे वाली एलेन के रोक संगीत पर सख्त प्रतिबंध और टॉप और पॉप संस्कृति से डर का उसके बच्चे पर स्थायी प्रभाव पड़ा आखिरकार विलियम्स की अठारह वर्षीय बहन अनीता को सैन फ्रांसिको अटेंडेंट बनने के लिए मजबूर होना पड़ा सन उन्नीस पंद्रह वर्ष का था अनीता के गुप्त रोग एल्बमों में प्रभावित होकर एक रोक पत्रकार बनने की इच्छा रखता था और सैन डिएगो में भूमिगत पत्रों के लिए स्वतंत्र लेखा लिखता था रोक पत्रकार लेस्टर बेगस विलियम्स के लेखन से प्रभावित होकर उन्हें ब्लैक सब बात कॉन्सर्ट्स की समीक्षा करने के लिए पैंतालीस थर्टी फाइव डॉलर का अनसाइड देते थे शुरुआती बैंड सिल्विस्टो सिल्विस्ट वॉटर के आने से विलियम को मंच के पीछे जाने की रोक दिया गया और विलियम आसानी से अंदर आ जाता था तो और मुख्य गिटार वादक से रसेल हेमंड उसे एवर एक उसके लिए नए परिचित अनुभवी ग्रुपी पेन लेन को पसंद करते थे जिसके उन्हें अपने अधीन कर दिया गया रूढ़िवादी समूह के रूप में व्यवहार करने के लिए बावजूद पेनी लेन इस बात पर जोर कि वह और उसके दोस्त बैंड के हैं और एक शब्द जिसका आविष्कार उन्होंने महिला प्रशंसा का वर्णन करने के लिए किया था जो रोग सितारों की तुलना में संगीत के लिए अधिक है ब्लैक सब बात पर हिमालयन के लेख कुल देखने पर रोलिंग स्टोन को संपादक बेन फोग टोरेस से सिल्वर स्टार के बारे में एक लेखन लिखने के लिए विलियम्स को काम पर रखा गया और उसे बैंड के साथ सड़क पर भेजा गया विलियम्स अन्य बैंड सदस्यों को साक्षारात्मक लेता है लेकिन रसेल बार बार उसे टाल देता है और रसेल और मुख्य गायक जेफ बेबे के बीच तनाव जल्द ही स्पष्ट हो गया बैंड की पहली टी शर्ट की रिलीज से भी अधिक खटास आ गई जिसमें इस रसेल के साथ एक पूर्ण बैंड शोट दिखाया गया जबकि बॉबी बाकी बैंड छाया में है और विलियम्स को बैंड द्वारा मजाक मजाक में मजाक में दुश्मन कहा जाता था क्योंकि वह एक पत्रकार है लेकिन जैसे जैसे वे उनके आंतरिक दायरे में एका होता है तो वह धीरे धीरे अपनी निष्पक्षता खोलने लगता होने लगता होने रिकॉर्ड लेवल स्थानों को प्रोमोटरों के साथ साथ समस्याओं को संभालने के लिए एक पेशेवर प्रबंधक डेनिस को नियुक्त करता है और पैनी को बैंड के न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले छोड़ना होगा जहां रसेल की परिमिकार लेसली उनके साथ शामिल होकर और उसके तीन बैंड को, -को, पो -को पोकर गेम में दूसरे बैंड के साथ जुआ खेला जाता है पेनी लापरवाही से काम करती है लेकिन तबाह हो जाती है इस बीच डेनिस ने एक छोटा विमान किराए पर लिया ताकि बैंड अधिक कार्यक्रम बजा सके पैनी बिना बुलाए न्यूयॉर्क रेस्तरा में पहुंच जाती है जहां वे इस खबर का जश्न मना रहे हैं कि उन्हें रोलिंग स्टोन के कवर पर दिखाया जाएगा रसेल का स्थान ध्यान आकर्षित करने की उनकी कोशिश का पता चलने के बाद पैनी को जाने के लिए कहा गया विलियम उसका पीछा करते हुए उसके होटल तक जाता है जहां वह उसे क्वाइलुट्स का अधिक अधिक मात्रा में सेवन करने से बचाता अगले दिन यह कार्यक्रम के लिए उड़ान भरने पर विमान को गंभीर मौसम का सामना करना पड़ता विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर डर से कई लोग हर कोई अपने रहस्य में कबूल कर लेता है जबकि जेफ और रसील के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष भड़क गया और जेफ द्वारा पोनी का अपमान करने के बाद विलियम ने प्रे, पेनी को प्रति अपने प्यार का इजहार किया और विमान टूपेलो को सुरक्षित रूप से उतारा गया जिससे हर कोई बदले हुए माहौल का विचार करने लगा और विलियम सैन फ्रांसिसको में रोलिंग स्टोन कार्यालय पहुंचता है लेकिन उसे लेख पूरा करने में कठिनाई होती है मदद मांगते हुए वेलेस्टर बेगस को फोन करता है जो कहता है कि विलियम बैंड का हिस्सा बनने में पसंद फंस गया है उनका कहना है कि उनके साथ उनकी कथित दोस्ती वास्तविक नहीं थी और वह ईमानदार और निर्दय बनने की सलाह देते थे रोलिंग स्टोन को संपादकों ने विलियम को पूर्ण लेख की प्रशंसा की लेकिन जब पत्रिका के तहत जांचकर्ता ने बैंड को फोन किया तो रसेल ने, ने स्टल वाटर की छवि की रक्षा करने के लिए झूठ बोला और दावा किया कि इसमें से अधिकांश झूठ और रोलिंग स्टोल ने विलियम्स को कुछ चलते हुए लेख को खत्म कर दिया और दवाई हवाई अड्डे पर अनिता का सामना उदास में विलियम्स से होता है और उसे कभी भी ले जाने की पेशकश करती है उनके लिए सैन डियागो में उनके घर जाने का विकल्प चुनाव जहां उनकी माँ एलियन उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है सफ सफायर बेड्स एड्स के विशेषज्ञों में से एक विलियम को धोखा देने के लिए के लिए रसेल को दंडित करता है फिर वह पोनी का फोन करता है जिस उससे मिलना चाहता है लेकिन वह उसे अपने बात पते के बजाय विलियम का पता देकर उसे धोखा देती है वह आता है और खुद को विलियम की माँ से अप मां से मां आमने सामने पाता है जिन्होंने दौर दोर के दौरान फोन पर उनके साथ व्यवहार के लिए उसे डाटा था विलियम की माफी मांगता है और अंत में उसे एक साक्षात्कार के रूप में देखता है रसेल ने लेख को रोलिंग स्टोर से सत्यापित किया और जो इसे एक कवर फीचर के रूप में चलाता है पोनी पैनी को जाने की अपनी लंबे समय से, से चल रही कल्पना को पूरा करती है जबकि इससे इस वॉटर फिर से बस में यात्रा करता है डालना में देखा गया है कि विलियम्स मिलर के रूप में पैट्रिक फूडिटने के दान निभाया और युवा विलियम्स के रूप में माइकल रानो ने के दानिभा सेल हेमंड के रूप में बिली कोडोप नजर आए और एलन मिलर के रूप में फ्रांसिस मैगडोर में नजर आए और पैनी लेड के रूप में कैट हडसन ने के धन्यवाद जेफ बेवे के रूप में जेसन लेने के धन्यवाद जूई जूई डेसनेल अनीता मिलर के रूप में देर फिलिप्स किया एफरे एफ्रोडिसिया के रूप में अन्ना पक्विन नजर आए और नीलमणि के रूप में फेरुजा बालक ने किरदार निभाया एस्टेला स्टार के रूप में बिजो फिलिप ने किरदार नूह टेलर डिक रोसवेल के रूप में नजर आए और लेस्टर बेगास के रूप में फिलिप सेमोर हॉफ मैन ने के दाने बैन फोंग टॉरेस के रूप में चेटेरी चेन ने के दाने जे बरूचे विक मनोरज के रूप में नजर आया और डेनिस होप के रूप में जिमी फोन फोलन ने के दाने डेविड्स डेविड हेल्टन के रूप में रेन विल्सन ने के दाने और लेरी फेलो के रूप में मार्क कोजे लेखने के दाने लेसली हेमंड के रूप में लिज स्टोब ने के दाने बनाया जेक वार्ड ड्री रेड डोम के रूप में नजर आए और एड वन कोर्ट के रूप में जॉन फेडीविचने के दाने डेस्क क्लर्क सोल्डन के रूप में एरिक स्टोन स्ट्रिक ने किदाने नाराज प्रोमेट के रूप में मार्क हैन मेरन ने किदाने और जेन वेनर टैक्सी यात्री के रूप में नजर और पीटर फ्रेम्पटन रेक के रूप में नजर और ईगल्स रोड मैनेजर के रूप में मिच है बड में निभाया नलमोस्ट फेमस मूवी के फैक्टो रिव्यू आलमोस्ट फेमस दो की एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैमरून को द्वारा लिखित तो और निर्देशित किया गया दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें जिसमें बिली कुडुप्स एंड फ्रांसिस मेड्स कैट हर्डसन पैट्रिक फुगिट्स और फिलिप सेमुल ने अभिनय किया है एक किशोर पत्रकार की कहानी है जिसका किरदार ने निभाया था जो सन 1970 के दशक की शुरुआत में रोलिंग स्टोन पत्रिका के लिए लिख रहा था काल्पनिक रॉक बैंड एंड सिल्वर के साथ दौरा कर रहा था जब और बैंड पर अपनी पहली कवर स्टोरी लिख रहा था यह फिल्म अर्ध आत्मकथात्मक क्योंकि यह क्रो स्वयं रोलिंग स्टॉल के लिए एक किशोर लेखक थे फिल्म का निर्देशक कैमरून क्रो है लेखक है कैमरून क्रो उत्पादित है कैमरून क्रो और इयान ब्राइस अभिनेती है पैट्रिक फोगेट और बिली कुडुप है फ्रांसिस मैकडोर डोरमेंड है, है कैट हेडसन है, है जेसन ली है अन्ना पक्विन है फेरुजा बल, बाल्क है नूह टेलर है और फिलिप सेमूर हॉफमैन है छायांकन है जॉन टोल का संपादित किया जो हसिंग हस ने और सार क्लेन ने संगीत दिए नैन्सी विल्सन ने उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स और ड्रीम वर्कर्स पिक्चर और विनाइल्स पिक्चर द्वारा वितरित किया ड्रीम वर्कसर डिस्ट्रीब्यूशन एल सी संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलम्बिया कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टि, इंटरनेशनल द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख आठ सितंबर सन दो को टी में और बाईस दिसंबर दो को संयुक्त राज्य अमेरिका में यह फिल्म रिलीज हुई

अवार्ड से भी सम्मानित किया गया रोजर एडबर्ट्स ने इस साल की सबसे फिल्म के साथ साथ सन दो के दशक की नौवीं सबसे फिल्म बताया गया था इसने सबसे मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी सबसे अभिनेत्री मोशन पिक्चर दो के लिए दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीते तब से यह एक प्रथम क्लासिक बन गई और बीबीसी द्वारा आयोजित तो 2016 के अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ऑलमोस्ट फेमस हो को सन 2000 के बाद से सेवेंटी सबसे बड़ी फिल्म का दर्जा दिया गया और हॉलीवुड रिपोर्टर सन 2014 की सूची के स्टूडियो प्रमुखों ऑस्कर विजेता के द्वारा मतदान किया गया और टीवी रॉयल्टी एलमेट्स फेमस और सर्वकालीन इकहत्तरवीं महानतम फिल्म का दर्जा दिया गया और फिल्म का नामक मंचीय संगीत रूपांतर नवम्बर दो को ब्रॉडवे पर शुरू हुआ कथनक सन उन्नीस में सैन डिए में प्रतिभावक बालक वित विलियम मिलर फिट होने के लिए संघर्ष करता है जिसका जीवन यह हम जानने के बाद भी जटिल हो जाता है कि उसकी विधवा कॉलेज प्रोफेसर माँ एलिन ने उसे झूठ विश्वास दिलाया था और वह 12 साल का विलियम वास्तव में 11 साल का था उसने 5 साल की उम्र में पहली कक्षा शुरू की थी और पांचवी कक्षा छोड़ दी थी मजबूत इरादे वाली एलेन के रोक संगीत पर सख्त प्रतिबंध और टॉप और पॉप संस्कृति से डर का उसके बच्चे पर स्थायी प्रभाव पड़ा आखिरकार विलियम्स की अठारह वर्षीय बहन अनीता को सैन फ्रांसिस्को जोन के फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए मजबूर होना पड़ा सन उन्नीस सौ तिहत्तर वर्ष का था अनीता के गुप्त रोग एल्बमों में प्रभावित होकर एक रोक पत्रकार बनने की इच्छा रखता था और सैन डिएगो में भूमिगत पत्रों के लिए स्वतंत्र लेखा लिखता था रोक पत्रकार लेस्टर बेगस विलियम्स के लेखन से प्रभावित होकर उन्हें ब्लैक सब बात कांसर्ट्स की समीक्षा करने के लिए पैंतालीस थर्टी फाइव डॉलर का अनसाइट देते थे शुरुआती बैंड सिल्विस्टो के आने से विलियम को मंच के पीछे जाने की रोक दिया गया और विलियम आसानी से अंदर आ जाता था और मुख्य गिटार वादक से रसेल हेमंड उसे और एक उसके लिए नए परिचित अनुभवी ग्रुपी पेन लेन को पसंद करते थे जिसके उन्हें अपने अधीन कर दिया गया रूढ़िवादी समूह के रूप में व्यवहार करने के लिए बावजूद पेनी लेन इस बात पर जोर देती दे थी कि वह और उसके दोस्त बैंड के हैं और एक शब्द जिसका आविष्कार उन्होंने महिला प्रशंसा का वर्णन करने के लिए किया था जो रोग सितारों की तुलना में संगीत के लिए अधिक है ब्लैक सब बात पर हिमिलन के लेख कुल देखने पर रोलिंग स्टोन को संपादक बैन फोग से सिल्वर स्टार के बारे में एक लेखन लिखने के लिए बार बार उसे टाल देता है और रसेल और मुख्य गायक जेफ बेबे के बीच तनाव जल्द ही स्पष्ट हो गया बैंड की पहली टी शर्ट की रिलीज से भी अधिक खटास आ गई जिसमें रसेल के साथ एक पूर्ण बैंड शोट दिखाया गया जबकि बॉबी बाकी बैंड छाया में है और विलियम्स को बैंड द्वारा मजाक में मजाक में दुश्मन कहा जाता था क्योंकि वह एक पत्रकार है लेकिन जैसे जैसे वे उनके आंतरिक दायरे में एक होता है तो वह धीरे धीरे अपनी निष्पक्षता लगता, लगता रिकॉर्ड लेवल स्थानों को प्रोमोटरों के साथ साथ समस्याओं को संभालने के लिए एक पेशेवर प्रबंधक डेनिस को नियुक्त करता है और पैनी को बैंड के न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले छोड़ना होगा जहां रसेल की परिमिकार लेसली उनके साथ शामिल होकर पेनी और उसके तीन भविष्य बैंड सहायकों को को, पो, को पोकर गेम में दूसरे बैंड के साथ जुआ खेला जाता है पेनी लापरवाही से काम करती है लेकिन तबाह हो जाती है इस बीच डेनिस ने एक छोटा विमान किराए पर लिया ताकि बैंड अधिक कार्यक्रम बजा सके पैनी बिना बुलाए न्यूयॉर्क रेस्तरा में पहुंच जाती है जहां वे इस खबर का जश्न मना रहे हैं कि उन्हें रोलिंग स्टोन के कवर पर दिखाया जाएगा रसेल का स्थान ध्यान आकर्षित करने की उनकी कोशिश का पता चलने के बाद पैनी को जाने के लिए कहा गया उसका पीछा करते हुए उसके होटल तक जाता है जहां वह उसे क्वाइलुट्स का अधिक अधिक मात्रा में सेवन करने से बचाता अगले दिन यही कार्यक्रम के लिए उड़ान भरने पर विमान को गंभीर मौसम का सामना करना पड़ता विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर डर से कई लोग हर कोई अपने रहस्य में कबूल कर लेता है जबकि जेफ और कोर के बीच लंबे समय से चल रहे यह संघर्ष भड़क गया और जेफ द्वारा पोनी का अपमान करने के बाद विलियम ने पेनी को प्रति अपने प्यार का इजहार किया और विमान टूपेलो को सुरक्षित रूप से उतारा गया जिससे हर कोई बदले हुए माहौल का विचार करने लगा और विलियम सैन फ्रांसिसको में रोलिंग स्टोन कार्यालय पहुंचता है लेकिन उसे लेख पूरा करने में कठिनाई होती है मदद मांगते हुए वेलेस्टर बेगस को फ़ोन करता है जो कहता है कि विलियम बैंड का हिस्सा बनने में पसंद फंस गया है उनका कहना है कि उनके साथ उनकी कथित दोस्ती वास्तविक नहीं थी और उन वह ईमानदार और निर्दय बनने की सलाह देते थे रोलिंग स्टोन को संपादकों ने विलियम को पूर्ण लेख की प्रशंसा की लेकिन जब पत्रिका के तहत करते ने बैंड को फोन किया तो रसील ने स्टल वाटर की छवि की रक्षा करने के लिए झूठ बोला और दावा किया कि इसमें से अधिकांश झूठ और रोलिंग स्टोन ने विलियम्स को कुछ चलते हुए लेक को खत्म कर दिया हवाई अड्डे पर अनीता का सामना उदास में विलियम्स से होता है और उसे कभी भी ले जाने की पेशकश करती है उनके लिए सैन डियागो में उनके घर जाने का विकल्प चुना और जहां उनकी माँ इलेन इले उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है सफायर बेड्स एड्स के विशेषज्ञों में से एक विलियम को धोखा देने के लिए के लिए रसेल